here. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of the SBTech Institute of Technology, Management and Research, Nagpur. I, Nidhi Vaghmare, would like to take this opportunity to take you all a very warm and heartily welcome for the seminar on Corporate Email Etiquette and Business Communication, organized by Technomaster Club of Electronics and Telecommunication, Department of Engineering, Association with Institution Innovation Council. I would like to request Sheetal Ma'am to present sampling to today's great speaker, Mr. Elan Abraham, sir. आज का जो सेशन है सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि इस वेरी दो मैंने ईमेल किया है ओके
This is one of my most favorite session I used to conduct in everywhere. Even I have conducted this session in NIT Jamshedpur as well. And there are so many prospects. It's not about, we're not going to discuss only email about. It's all about, so we have the crowd taken. How many of you from final year? Who is here? Third year? Who the third year? Yes. Good. This is the right time to be very honest. मतलब ये सही क्राउड है जिनसे बात करने में मजा आएगा. मतलब अब उसमें अपन बहुत सी चीजें देखने वाले कि हम लोग कहाँ हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद लेवल ऑफ इंटरेक्शन स्किल्स, वेयर वी आर. आज बहुत सारी चीजें नई आपको मैं बताने वाला हूँ जिसमें कभी हम लोगों ने फोकस नहीं किया. एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब तक हमने हमारी लाइफ के 3 साल कॉलेज में और 10वीं के बाद 11वीं बारे में जब हम आते हैं वहाँ से, और कुछ पॉली वाले भी होंगे, है ना. गुड. पॉली का दर्द होगा समझते क्योंकि मैंने किया है. ठीक है. पॉली वाले को बड़े आलोचनाओं से जाना पड़ता है. ठीक है. जब इंजीनियरिंग में आते हैं ना तो देयर आर टू ग्रुप्स. फर्स्ट ईयर में जो बी में आते, सेकेंड ईयर में आते, फर्स्ट ईयर एक डिप्लोमा. तो जो फर्स्ट ईयर से बी में सेकेंड ईयर में आते उनका डिप्लोमा वाले को देखने का नजर आया होता है, बहुत डिप्लोमा करके आया तुम. Am I right? Yes, sir. ऐसा फील किया आप लोगों ने दर्द किसी ने? डिप्लोमा वाले ने दर्द फील किया क्या? हाँ जी, मैंने भी किया है. ठीक है, होता है. बट थर्ड ईयर में आने तक वही एकदम जिगरी बन जाते होंगे. अगर मान लो डिप्लोमा से कोई अच्छी लड़की आई फिर वो कम्युनिकेशन बैरियर अपने आप टूट जाता है. राइट. तो फर्क पड़ता है. तो टॉकिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, क्या हम लोग एक बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने डाला हुआ है तो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में देखने वाले. तो ज़्यादा देर में यहाँ से ना बोलते हुए गोइंग टू स्टार्ट. तो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिलीवरेंस, कितने लोग खुशी से यहाँ बैठे हैं? कितने लोग खुशी से, मतलब जबरदस्ती हाथ में डाला है? ये वाली जो परिस्थिति है, ये जो परिस्थिति है उसको बोलते हैं, अगर बचपन में माँ बाप ने दो बूंद जिंदगी पिलाए होंगे क्या? तो आई बिलीव सब लोग फिजिकली फिट है. हाँ, कोई मैंडेटरी नहीं हाथ उठा. मैं बोला कि कितने लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं नौकरी पाने के लिए, पहला कंडीशन. अगर मेरा इंट्रोडक्शन ढंग से सुनने होंगे तो आंदर प्लेसमेंट ऑफिसर और रखते बाबा, है ना. हाँ, कुछ तो रिश्वत लगती ना. ठीक है. फिर उसके बाद पर्सनल बेसिस आई हैव प्लेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन पर्सनल कंपनीज बोलो, एचआर बोलो, खुद एक कंपनी का मैं एसोसिएट डायरेक्टर एचआर. ठीक है. तो आप लोग की नौकरी जो है मेरे हाथ में आ सकती है, मैंने कर ली. एसबीआई के काफ़ी बच्चे जो मेरे इंटर्नशिप करते हैं. ठीक है. तो आई एम हैविंग 4 IT कंपनीज. ठीक है. अलग अलग छोटी है लेकिन खुद की है ना. तो फर्क है. तो द मोमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट माई सेल्फ तो विल लेट यू नो इन माई करियर जर्नी हम कहाँ से स्टार्ट किया. तो फिर से एक बता, कितने लोग आज का सेशन खुशी से अटेंड करेंगे? खुशी से अटेंड करेंगे मैं बताऊँ. कितने लोग को नया को सुनना है? चलो, कितने लोग को नया सुनना है? बेटा कोई तकलीफ है? ओके. आधे मजबूरी में हाथ है, आधे है क्योंकि मैं एक सरप्राइज पैकेज मिड ऑफ द सेशन में खोलूंगा अबाउट माई सेल्फ और मैंने क्या एनालाइज कर चुका है. अच्छा, इसके नाम पे खड़ा रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है ना, फोटो ले लिए तो शादी हो गई तो मतलब. चल, सो पॉइंट इज कि आज के जो हम लोग सेशन रखे हैं, तो रितल मैम इज टेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर यू गाइस एंड फॉर फाइनल ईयर एज वेल. बहुत बार ये होता है ना कि सेमिनार बोले तो एज एन इंजीनियर आई कैन अंडरस्टैंड, वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, हमारे बच्चों का भला करो. ठीक है. वो बच्चों का भला बाद में रहता है, पहले कागज में डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट. ठीक है कि भाई हाँ, SBGEN और XYZ कॉलेज हैज कंडक्टेड XYZ सेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट. नो मैटर द नॉलेज बिफोर द सेशन एंड आफ्टर द सेशन रिमेंस कॉन्स्टेंट. समझिए क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. बहुत बड़ी होता है. अभी पहले हम लोग सेशन में जाने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ
अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द इंडियन फ्लैग एट द एज ऑफ 28. आई वॉज इन्वाइटेड इन ऑल द स्कूल टू होस्ट द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंटिंग यूथ आइकन. जब मैं आपके थर्ड ईयर से इंटरेक्ट करने का प्लस पॉइंट बताता हूँ, और मैं थर्ड ईयर से इंटरेक्ट करना मेरे को पसंद क्यों है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी इंजीनियरिंग थर्ड ईयर से डाइवर्ट कर दी. ठीक है, लास्ट में उसने एक वर्ड पढ़ी थी, गांधी होस्ट मैडम. हाँ, थैंक यू. योर नेम बेटा? सॉरी, निधि. निधि, तो आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन. अगर ध्यान से सुने होंगे, कान वन साफ किए होंगे तो. ठीक है, इट्स प्रोग्रेसिव यूथ फेडरेशन, PYF करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन है. यही ऑर्गेनाइजेशन मैं जब इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में था तभी ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नींव रखी थी. ठीक है, और बी थर्ड ईयर से मेरा मोटिव क्लियर था कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यूथ. ठीक है, आज अराउंड 900 प्लस यूथ फॉलोअर्स है मेरे, ज़्यादा नहीं है. जो ईमानदारी वाले फिगर है वो बता रहा हूँ, नहीं तो 2000 बोल के इंस्टा वाले तो कभी नहीं चलते. 20 रुपये में फॉलोअर्स बढ़ाओ, है ना. अरे आता ना, ऐसे आता होगा ना, इंस्टॉल करते होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे, राइट. तो फॉर पेड यूजर्स और ये यूजर्स तो एक्स वाई जी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती रहती है. द पॉइंट इज आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम थर्ड ईयर इटसेल्फ, एंड दैट इज द रीजन कि वहाँ से शुरू करते करते कल आपने रविंद्र मिसाल सर आए थे. कैसे लगे, मजा आएगा कुछ? वो एक इंसान की स्टोरी सुनने लायक है. इज माई रोल मॉडल, उस इंसान से इंस्पायर होके एक जमाना था कि उनको मैं गेस्ट स्पीकर बुलाता था, आज ऊपर वाले की तरह से अपन गेस्ट स्पीकर बन के जाते. द थिंग इज उन्होंने एक छोटे से गांव से अपना करियर जर्नी शुरू किया. उन्होंने अपने बारे में ये चीज नहीं बताई होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, इंडिया कॉलिंग के बारे में बताया क्या उन्होंने? बताया. ठीक है, इंडिया कॉलिंग एक बुक है, मतलब एक भीमापुर गांव जो होंगे यहाँ से आसपास से, गढ़चिरौली ब्रह्मपुरी से होंगे तो आप जानते हो. नागपुर के कॉलेज इन्हीं के बदौलत चल रहे हैं, है ना. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और ब्रह्मपुरी, यहीं के बच्चे नागपुर में आते हैं, बराबर है. हाँ, सर फ्रॉम भीमापुर गाँव, एक वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, वहाँ से ही इज द वन हू रिप्रेजेंटेड इंडिया इन पब्लिक स्पीकिंग, रिप्रेजेंट इंडिया मतलब बताया होगा. वो इंटरनेशनल स्केटर्स, वो भी बताया होगा, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल फ्रॉम विलेज. और हमारे यहाँ के गाँव का बच्चा था, सर माजी घर की परिस्थिति चांगली नहीं आए, सर अभ्यास ही नहीं कर, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस एंड रीजंस, राइट. यू आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ये तो काम का नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड. मैडम को बैठा तो भेज रहे हैं बड़े. मैं थोड़ी दीदी बोल देता हूँ, लाइक मैं दीदी बट मैम. ठीक है, तो आई रियली वुड लाइक टू फोकस, दिस इज माय जर्नी ऑफ लाइफ. द रीजन बीइंग, यहाँ पे ना बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनको लगेगा कि हाँ ठीक है ना, थोड़ी देर प्रवचन सुनना है, जाना है. ठीक है, मैं आपको एक सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा मैं भी औकात पर जाता हूँ. ठीक है, सिनेरियो कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे बैठने के बाद मार्केट में जब आप निकलते हो, यू आर इन थर्ड ईयर, आपको लगता है कि अभी नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर में आ जाएंगे. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, देयर विल बी अ रिसेशन फॉर वन ईयर इन आईटी इंडस्ट्री, एंड आपके लिए प्लेसमेंट बहुत टफ है. आप लोग के लिए, इस साल की बैच के लिए तो है ही, तुम लोग के लिए भी प्लेसमेंट बहुत टफ है. एंड अनफॉर्चुनेटली बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, नो वन इज फोकस्ड फॉर कोर ब्रांचेस, कोर कंपनीज. अब कोर कंपनीज में आप बोलोगे सर कोर कंपनी हमारे वाले के पास ही, बोलो हाँ. मैकेनिकल वाला मुंह उठा के कहाँ जा रहा है, सिविल वाला मुंह उठा के कहाँ जा रहा है, आईटी. इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो पार्टी बोर्ड, सिर्फ नाम का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है. ऑल टुगेदर वी बिलोंग टू CSIT. ठीक है, क्यों? क्योंकि बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे पाइथन ही, बोलो ना. ठीक है, पाइथन पढ़ रहे, मतलब पाइथन इज लाइक अ लंगर, पाइथन इज लाइक अ लंगर, महाप्रसाद. आओ रे गरीबो, खाओ रे गरीबो, पढ़ो रे गरीबो. ठीक है,
हर पहले जमाना था बच्चा के सीवी में दिखता था HTML CSS Bootstrap, अभी भी होगा, अभी भी होगा। सर बोलते सर आई हैव डन वेब डेवलपमेंट कोर्स, ओके क्या बात था सर, HTML CSS JavaScript भी बोलते कोई कोई, ठीक है। मेरा इमीडिएट क्वेश्चन, JavaScript पूरा आता क्या? नहीं सर, थोड़ा बहुत एक वेब पेज बनाने को जितना लगता उतना आता, ठीक है। तीसरा Bootstrap मेकअप के लिए लगता है वेबसाइट के, ठीक है। फिर ये हो गया, अब नया चलन आया पाइथन, क्यों? क्योंकि पूरा गांव कर रहा, हम भी करेंगे क्योंकि वी लव टू फॉलो क्राउड। ये सुन लो, द पॉइंट इज गाइस, देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच कैन मेक यू डिफरेंस, कि हमें करना क्या चाहिए। जब फोटो ले रहे तो बता देना, अच्छा बोल दे दूंगा, ठीक है। मेक्स यू डिफरेंट आउट ऑफ द क्राउड, ठीक है। सो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, हम बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिल रहा, मेरे घर की परिस्थिति खराब है, ये चैलेंजेस आते हैं सब। सी मेरे भी परिस्थिति चैलेंजेस वाली थी, आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ट्रस्ट में बताता हूँ, मेरे पास आज तक मैंने खुद के पैसों से लैपटॉप नहीं लिया है खुद के लिए, आज तक। आई डिड माई मास्टर्स, मैंने एम टेक किया, नेट कैफे में बैठ बैठ के थीसिस बनाई है, ठीक है। तो आज तक मेरे पास खुद का लैपटॉप नहीं है, ऑल टुगेदर आई वर्क्ड इन इन्फोसिस, लेकिन मुझे पता है कि नहीं थी। मैंने उस समय भी जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया ना, मेरे पापा से डिपेंड किया, क्योंकि मेरे पापा नहीं पे कर सकते थे, मेरे को पता था, ठीक है। और धीरे धीरे हमने करियर स्टार्ट किया था। द मोमेंट आई हैव डन माय इंजीनियरिंग, मेरा सब्जेक्ट बैकलॉग थे, जो लोग बैक वाले होंगे उनके लिए बहुत स्कोप है, ठीक है। जो टॉपर है उनके लिए बहुत क्वेश्चन मार्क है, आई लव बैकलॉग पीपल। तो ऐसे कोई होंगे जिनके परसेंटेज 55 के नीचे जा रहा है, बहुत बड़ा दुविधा रहती, हाँ है क्या सर ऐसा? Yes, हाथ उठाया था उसने नहीं है तो उठा था बेशर, मैं पता था मेरे 12वीं में 51% है, मेरे 12वीं में 51% है PCM, I was not eligible to become an engineer, मैंने BSc का फॉर्म लेने चला गया था, समझ रहे क्या? हाँ, ये आप लोग अपने दर्द कनेक्ट कर सकते हो अभी, लेकिन देखो आई एम हियर विद टाई, इस पे मत जाओ, ठीक है, इस पे मत जाओ। दिस इज द प्रोटोकॉल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट वी नीड टू कैरी व्हेन वी आर गोइंग समवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे दिख रहा होगा ना, आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम, तब भी एजी पेन के रोड पे जाता था मैंने करियर स्टार्ट किया घर घर सिम बेच के, एयरटेल पोस्टपेड का सिम बेचता था, आठों में तुम्हारे पास पोस्टपेड ले लो, अभी तो कॉल ही आता सर आपका महीने का कितना बिल आता होगा, कितना खर्चा आता होगा, ठीक है। तो आप स्टार्टेड सेलिंग सिम डोर टू डोर एयरटेल पोस्टपेड के, सेकेंड मैंने उसी के ड्यूरेशन में मैंने पैरेलली ये पैर में क्या बनते हैं, मैंने मोजे बेचे डोर टू डोर, ठीक है। तीसरा मैंने जो सेलिंग का काम किया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया वाले आते होंगे आपके घर में, है ना, हाँ कोई वो मैंने बेचा है, और मेरे को आज भी याद है मैंने अपनी मेरी पहली एनसाइक्लोपीडिया शंकर नगर चौक के से, अगर आप लेफ्ट जाते हो शंकर नगर चौक का तो कैलकटा रोड सभी दिए होंगे, कैलकटा रोड कहाँ है पता है? वेल तो शान बैठे जैसे हम जाते ही नहीं, प्रताप नगर के मोमोज के अलावा कोई जाता ही नहीं, ठीक है। तो शंकर नगर से लेफ्ट लिए, वहाँ पे घोड़े वाला घर है, अगर किसी ने तो ऑब्जर्व करते होंगे, तो शंकर नगर जाने के बाद घोड़े कौन देखता और वहाँ दूसरी अलग रहते। तो वो घोड़े के घर के सामने मैंने अपनी पहली एनसाइक्लोपीडिया बेचा था, और मैं आज भी जब भी वो चौक पे जाता हूँ तो मैं आई यूज टू टेक वन कप ऑफ टी ओवर देयर, मतलब मैं अपने पुराने दिन रिकॉल करता हूँ कि जब पैदल पैदल घूमता था, तब तो गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मैं आपको ज़्यादा बहुत पुराना साल नहीं बता रहा हूँ, 2011-12 की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, 11-12 की बात बता रहा हूँ कि आई डिड दैट पार्ट। फिर उसके बाद मेरी 5000 से मैंने नौकरी छोड़ी, मेरी पहली पेमेंट वॉज 1500 रुपये, पहली पेमेंट वॉज 1500 रुपये। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ कि सेशन में जब मैं आऊँगा इसके बाद विद इन, आप उस तैयारी के साथ बैठे कि अभी तक थोड़ी देर पहले तक हम लोग टाइम पास वाले मोड़ बैठे थे, यहाँ से सुनना है और जाना है, ठीक है। लाइफ इज अ चैलेंज भाई, अभी तुम लोगों को लगा तुम लोग की बैच के लिए इज अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन,
इवन इंडस्ट्री मेरे रोज बड़े बड़े इंडस्ट्री आ चल अभी आपको रिसेंटली बता रामदेव में 48 लाख के पैकेज के लिए कंपनी आई थी कितने आधा एसबीजन प्लेस हो जाता था सबको बांटे तो राइट ना ठीक है तो 48 एलबी के लिए थे उसमें सीएस ब्रांच के चार बच्चे प्लेस हुए ठीक है अभी न्यूटेनिक्स कंपनी थी सुना है क्या नाम नहीं सुना आपने बोला आधा नाम नाम ही नहीं सुना है न्यूटेनिक्स आई है 22 पैकेज के लिए उसमें भी चार बच्चे प्लेस हुए ठीक है बर्थडे कितने थे 450 ठीक है 450 में से चार राइट अभी पब मैट्रिक्स है विद 17 LPA उसमें सेलेक्ट हुए दो बैठे कितने थे 300 राइट टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट कंपेयरिंग द स्टूडेंट फ्रॉम रामदेव बाबा मेरा तो रामदेव बाबा ज्वाइन करने का मुझे भी इसे क्या आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि मैं बाहर के कॉलेजेस के बच्चे में से कनेक्टेड है मुझे रामदेव बाबा के बच्चों में से क्या खास बातें देखनी थी दैट इज द रीजन आई हैव रिजाइन अपग्रेड अपग्रेड जानते हैं मैं अपग्रेड में था ठीक है बढ़िया घर बैठ के कमा रहा था कोई टेंशन नहीं था लेकिन मेरा मोटिव अगेन मेरा मोटिव जो इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में फाइनल किया था आई वांट टू वर्क फॉर यू तो अपग्रेड में आई हैव टू वर्क फॉर एक्सपीरियंस पीपल तो दैट इज द रीजन आई हैव रिजाइन अपग्रेड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन रामदेव बाबा आई हैव स्टार्टेड वर्किंग मेरा मोटिव था कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड किया रामदेव बाबा बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है आप में भी वही पोटेंशियल है जो वहाँ के बच्चों में लेकिन द पॉइंट इज वहाँ पे कॉम्पिटिशन है बच्चे जितना हम लोग यहाँ पे ना कॉलेज का बंक करेंगे वाले बोल रहे कोई डिफरेंस नहीं है आप भी वो 17 लाख 22 लाख वाले पैकेज में दे सकते हो ठीक है कितने लोग मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कितने लोग का अकाउंट हैकर अर्थ पे है बताओ हैकर अर्थ और हैकर राइट वेरी गुड हैकर अर्थ हाँ हैकर अर्थ में है और कौन सा पोर्टल फोर्टसे और गीता तो अगेन गीता भी लाइक लंगर हो चुका है ठीक है अब उल्टे उल्टे हमने छोटी सी वेबसाइट बनाई तो गिटहब पर डाल दे ठीक है अगेन जिसका भी गिटहब अकाउंट नहीं है ये जितनी भी ब्रांड कंपनीज है मैं आपको बताता हूँ एंड अगेन फाइनल ईयर में आके तुम प्रोजेक्ट गिटहब पर डालोगे तो आपका कभी प्रोग्राम फेच नहीं होने वाला है क्योंकि VMware गोल्डमैन सैक्स जितनी ब्रांड कंपनीज है सैपिएंट हो गया BNY Mellon हो गई सुने कंपनी के नाम BNY सुना है VMware सुना है ठीक है ये जो कंपनीज है ये कंपनीज आपका फर्स्ट ईयर से ट्रैक रिकॉर्ड फेच करती है गिटहब पे अभी हमें पता नहीं लगा हमें क्या लगता कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करेंगे तो वो प्रोजेक्ट डाल देंगे वेरी गुड फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट डालेंगे वो हम डाल देंगे वेरी गुड लेकिन ये जितनी भी ब्रांड कंपनीज है वो आपके फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड फेच करती है देन ओनली यू विल गेट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू आप अभी 4 प्रोजेक्ट डाल के डालेंगे और वो नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं चाहिए इट शुड बी लाइक इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आपने HTML CSS वालों को गिनते भी नहीं है वहाँ ट्रस्ट में HTML CSS वालों को तो गिनते भी नहीं है वो हमारे नागपुर में बहुत अच्छा चलता है हाँ इंटर्नशिप किए तो क्या किए डिजिटल मार्केटिंग ठीक है HTML CSS WordPress पे कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट बनाने को 1 घंटा बहुत हो गया कंटेंट रेडी है तो हार्डली 1 घंटे में WordPress पे साइट रेडी हो जाएगी राइट सो वहाँ से फिर स्टार्ट किया सेकेंड मैंने आपको बताया कि लेक्चरशिप आया फिर आई वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज देन उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इन्फोसिस सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट आई वाज अवार्डेड फॉर द बेस्ट एम्प्लॉई आई वाज वर्किंग फॉर एन ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इन्फोसिस रिजाइन मारने के कारण तो मेरा मोटिव क्या था मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग रहा था मेरे को ऑनसाइट की अपॉर्चुनिटी आई थी कि दो बार क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा था बट वो टाइप के 2 इश्यूज आए मेरे मम्मी पापा दोनों के हेल्थ इश्यूज थे मेरा भाई ऑलरेडी यूएसए था ठीक है लेकिन मुझे यहाँ के नागपुर आया माई फोकस वॉज नागपुर यूथ मेरा मोटिव वॉज क्लियर कि मुझे नागपुर के यूथ के लिए काम करना है ये मेरा मोटिव क्लियर
So that's why I've resigned and back to Nagpur in Bangla. I'm going to work and settle down in Nagpur only because lots of problem in current youth. हम लोग कैजुअल अप्रोच में चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है, करना क्या है, खड़े कैसे रहना. डिसिप्लिन, एटिकेट्स, मैनर्स तो गायब भी है, ठीक है, वो तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है. घर में पेरेंट्स से डिसिप्लिन गायब है तो फैकल्टीज एक्सपेक्टेड करना भी बंद कर दिया, ठीक है. कॉलेज का कंडीशन ये हो गया कि दे हैव टू फुलफिल देयर सीट, तो दैट्स व्हाई आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस वैलिड करनी पड़ती है, ठीक है. बट वी एज अ स्टूडेंट वी ऑल आर टेकिंग दिस एवरीथिंग अदर ग्रांटेड, ठीक है. फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो राइट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल आई कंटिन्यू द सेशन? यस सर. पक्का? यस सर. सुनना है? यस सर. आप कितने लोग खुशी से बैठना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड रिस्पेक्ट. चलो अब आज का जो मुद्दा है हमारा, सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि पेन कागज लेकर बैठने का, है ना? 10 मिनट, 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 7 मिनट का, ठीक है. क्या करना है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो. राइट एन ईमेल टू एन एचआर, राइट एन ईमेल टू एचआर write an email to HR asking permission to join as an intern in your company for XYZ profile, asking permission to join as an intern, asking permission, write an email to HR asking permission, सप्लीमेंट चाहिए
मैं तो पहले ही बोला था गियर वन में ही प्रॉब्लम है। अब इसी को लिख के फाड़ के दे देता पीछे इनसे इतना काम का है ना, फोटो खींच के दे देते दे दे दे। पेज फाड़ लो और नाम लिखो और अपना ही नाम लिखना। तो जल्दी पेज फाड़ो और नाम लिखो, रोल नंबर भी लिखो। तो इसका इंटरनल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉप स्टॉप हो गया। मत इतने इतने डेडिकेटेडली फोकस होकर लिख रहे। एनीवन फ्रॉम दैट रो सर कलेक्ट कर लो। नहीं फोटोग्राफर सर चलो अपने दुश्मन का नाम लिख के मत सबमिट करना। Okay, great. So how was your experience? Have you realized where you are? Yes, sir. मैं 3 साल में ये टास्क पहली बार हुआ था। Yes, sir. है ना something new? Yes, sir. पहली बार जब मैं नया करेंगे तो सिंपल बात है, तुमको आपका समझ में आ गया? Yes, sir. कि हम कहाँ हैं? वहाँ बैठ के बकर करना बहुत आसान है। हमने भी बहुत किए वहां से बैठ के मास्टर को गाला मारना बहुत आसान समझे गए। हमने भी किए समझे गए। भीड़ में मैं शेर हूं बोलना समझ रहे गए। अब कितने लोगों को लगता है कि ये सेशन की सही में गलत है? टाइटल दे दिया भाई इमेज। अच्छा ईमानदारी से बता, कितने लोगों को टाइटल देख के मजा नहीं आया? प्लीज बी ऑनेस्ट, प्लीज बी ऑनेस्ट। मेरे को पता है फीलिंग्स, मैं भी इंजीनियर हूँ। कितने लोगों के पास क्या ईमेल एडिकेट का सेशन होगा?
बाकी लोग महिला है, महिला को तो जो देते सब लागू है। इधर बोलो क्या हो गया, बोलो ना बोलो। अरे आप बड़बड़ कर बेटा, बिंदास बोलो ना, बोलो ना, भाषा समझ में आ गया ना, तुम्हारी कैटेगरी वालों वो पहले ही बोला इसको मत जाओ। राइट, सो गाइस ओके, सो बिफोर गोइंग टू ईमेल, अभी समझ में आ गया ना, ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले दिमाग यही नहीं दौड़ता कि पहली लाइन क्या लिखूं। बोलो हाँ, एंड आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको लगता है, पहले बोला फॉरगेट कॉलेज की टीपीओ, फॉरगेट अबाउट द प्लेसमेंट, अबाउट द इंडस्ट्री। If you really want to apply in a big industry, you don't need to support, you don't need to gain anyone to make you place over there. It's your skill set can make you place over there. And your first point of contact will be an email. First point of contact, अगर मैं बोला ना आप कंपनी में भी जाते हो या आपको किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, तो उनका मोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहता है? होता है हम लोग वाहियात तरीके से रिप्लाई कर लेते, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई विल जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल वाहियात थर्ड क्लास। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने आदर मान सम्मान देते हुए रेस्पेक्टेड वर्ड यूज किया है। ठीक है, इस लाइन में से किसी ने बहुत प्यार से डियर लिखा है, अच्छा लगा। कुछ लोगों ने अपना ईमेल आई से स्टार्ट किया है, आई एम एक्स वाई सी, वो सुझ ही नहीं रहा ना, क्योंकि ये अलग कहां से आई है, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी होती है। सही जा रहा हूं ना मैं? आई एलन अब्राहम द स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर एसबीएल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू हाई फीवर I won't be able to attend the college for next 5 days. Yes. और उसमें भी कुछ हमारे आलिशान हीरो हीरोइन ऐसे होते हैं जो खुद नहीं लिखते, एक क्लास का ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा लिखता होगा। Yes or no? Yes. तो सबकी एप्लीकेशन बेचारा वही लिख रहा होता है, और ऐसा नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरी इंजीनियरिंग में मेरी हाथ से लिखा के सब लोग सबमिट कर देते, एक दिन एचओडी ने गोली मार दी, गोली मार। अब मैं एक्चुअल अपने जब एप्लीकेशन लेके गया, किससे लिखवा के लाया, मैं ही लिखा हूं, बोली ये सब की हैंडराइटिंग तो तेरी हैंडराइटिंग, मैं क्योंकि मैं डिफॉल्टर लिस्ट पर रहता था ना, तो दे हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि एलन अब्राहम विल राइट एन एप्लीकेशन। मैं पढ़ाई में बहुत ही वाई जाता, लेकिन मैनेजमेंट स्किल, डिलीवरेंस, होस्टिंग, ये सब तो शुरू से खून में। ठीक है, हॉबीज मेरी बताना बताऊंगा। ठीक है, तो दैट वॉज द कंसर्न कि लेके जा रहे थे, बच्चों को लिखना नहीं आता। हमारे यहाँ टॉपर भी मेरे से एप्लीकेशन लिखा रहा था, लेकिन वो टॉपर था, इज्जत उसकी छोड़ने वाली है। मेरे तो दो दो बैठ है ना। ठीक है, तो दैट वॉज द प्रॉब्लम। सो बिफोर गोइंग टू ईमेल एटिकेट्स, आप में से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चन आने वाले आपको के बाद, तो वे अब धीरे धीरे औकात जो वर्ड मैंने यूज किया, दिस इज नॉट प्रोफेशनल बट इंजीनियरिंग मार्केट में लागू है। ठीक है, तो इससे अच्छे अच्छे शुद्ध शब्द यूज करते हो सुबह सुबह। ठीक है, भाई लोग के तो शब्दों की शुरुआत ही अलग होती है, सुबह एक्स वाई जी। सो आज इस कैटेगरी में नॉट ओनली बॉयज, गर्ल्स आर ऑल्सो कंधे से कंधा मिला के लड़ रही होती है। ठीक है, अब दैट्स वेरी गुड, लैंग्वेज है। अब चार गाली देते नहीं, लोग अपना शरीर पता नहीं चाहिए, नाश्ता सुन सकती है, कभी साले भी नहीं बना भाई, अगर आप गाली दे रहे हो तो उसको खा भी नहीं है, स्ट्रेस कम होता है। तो ठीक है, जान दे बात। आप गाली दे रहे हो, आप गाली की लत लगा के थोड़ी सी घूम रहे हैं, सामने वाले ने दिया होगा करेंगे, आपने भी दिया होगा, समझ आ रहे हैं। और खराबी है कि नहीं उसमें, मेरा ये बोलना है कि बस ऑल टाइम देना और जरूरत पड़ने में देना इट्स पॉसिबल,
Are you getting my point? Yes. So there's a difference. तो एक उसी वर्ड से हम बात करते तो हमारे हम लोग बोलते सर हमारे एथिक्स नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं सिखाया, ठीक है। मेरे को सिंपल एक चीज बताओ, या जितने भाई लोग बैठे या बहन लोग बैठे उनकी आप लोग को किसी ने बकायदा बैठा यहाँ बैठ बैठा ये वाली गाली सीख दिस इज कॉल्ड एज तेरी डैश किसी ने आपको बैठाया सिखाया no. कैसे सीखे हो हाँ बोलो ना लिस्टिंग स्किल्स और वो चीजें हम बहुत ध्यान से सुनते हैं इसका लफड़ा चार के साथ चालू है अपडेटेड रिपोर्ट रहती है वी आर वेरी मच अपडेटेड इन दिस एस्पेक्ट अभी वो कल वहां फुटाड़ा में दिखी थी हेलीकॉप्टर सामने ठीक है द पॉइंट इज वी आर अपडेटेड अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अ वर्ड कॉल्ड नेटिक्वेट अब हंसो नेटिक्वेट कितने लोगों ने वर्ड सुना है अच्छा कितने लोगों ने ये वर्ड अपनी जिंदगी में पहली बार सुने हाथ ऊपर करेंगे ईमानदारी से नेटिक्वेट कितने लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना हाथ ऊपर मैडम आपने हाँ वो नहीं वैसा आंसर नहीं चाहिए वो तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सुना है ऐसे सुन के कई चीजें कान से रेंज में निकल जाती है यस फिर से हाथ ऊपर छुटेंगे वेरी गुड अबे गवर्नमेंट ने नेटिक्वेट लागू की है हमें पता नहीं है एंड इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंजीनियर्स हम कहाँ जी रहे जावा ठीक है बहुत ज्यादा हो जाएगा सेल्सफोर्स AWS ऊप्स JS स्प्रिंग हाइबरनेट Node.js फुल स्टैक मर्न स्टैक ठीक है देखना पड़े सामने आधार बात की पॉपकॉर्न अपन लेके पड़ता नेटिक्वेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एटिकेट्स Netiquette stands for network etiquettes. ठीक है नेटवर्क एटिकेट्स का पर्पज ये होता है कि आप जब ईमेल भेजने वाले हो व्हाई आई हैव टेकन दिस नेम अब नेटिकेट्स का यहाँ पे रिलेशन क्या है पोस्ट पैंडमिक वी ऑल गाइस वेयर अटेंडिंग द वर्चुअल सेशंस राइट हाँ पूरे गूगल मीट पे जिंदगी होनी ना हमारी है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो ऑनलाइन थर्ड सेम फोर्थ सेम फिफ्थ सेम अच्छा थर्ड सेम था ऑनलाइन फोर्थ सेम मैदान में आ गए ठीक है सो नेटिकेट्स यानी नेटवर्क एटिकेट्स तो वहां पे देयर आर सम ऑनलाइन बिहेवियरल स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है बीच में ये भी फैल गया था भाई जूम मत यूज करो जूम चाइना का प्रोडक्ट है आपके सिक्योरिटी में हैम्पर हो सकता है आप स्टूडेंट बोलते सर हम जूम पे नहीं करेंगे बहुत बार इवन आई गॉट द रिस्पांस फ्रॉम एसपीजेएन जो बच्चे मेरे पास इंटर्नशिप करते थे या सेशन अटेंड करते सर जूम में अटेंड नहीं करेंगे जूम में डेटा चोरी होने का बहुत नुकसान होता है मैंने कहा कौन सा करोड़ों का डेटा लेके सुनने वाला है जूम में राइट तो वहाँ पे क्या होता है कि दैट जूम प्लेटफॉर्म गूगल मीट प्लेटफॉर्म बोलो वेबएक्स बोलो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बोलो वॉट एवर द ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग तो दैट इज अंडर द साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के मॉनिटर में होता है ठीक है और वहाँ पे जो भी डेटा या जो भी सेशन हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं एक डेटा बेस में स्टोर हो रहा होता है ठीक है अब ऑनलाइन सेशन में सब लोग हम लोग कैमरा बंद माइक म्यूट अब मत एक घंटे की नहीं ठीक है फिर बात अपने बैचमेट से एक फोन आता है अटेंडेंस होने वाली है उठ गया फट से फोन आता कि भाई मैडम तेरा नाम बुला रही है मैडम सॉरी नेटवर्क इश्यूज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दिस कम्स अंडर द डिसिप्लिन्स ऑफ नेटवर्क
तो ये जो थे ये डिसिप्लिन नहीं थे, आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना, एक्नॉलेज करना, वीडियो ऑन करके बैठना, ठीक है। फिर बहुत बार एनोटेशन जूम में प्रॉब्लम था, एनोटेशन ऑब्जर्व किए गए। एनोटेशन में क्या होता था, अगर एनोटेशन ऑन रखे तो किसी भी बच्चों को वो अथॉरिटी मिल जाती है कि कुछ भी पेज से स्क्रीन में गुजरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें जिस मास्टर को गला मारना है बेधड़क मार सकते, क्योंकि वो दिखता नहीं था, क्योंकि पेज ही चल रहा है ना, दिखता नहीं था। तो इट हैपेंस, तो उसमें एनोटेशन को बंद करना पड़ता था, ठीक है। तो दिस इज अंडर नेटिकेट्स, जो नेटवर्क के एटिकेट्स के कुछ रूल्स है, ये गवर्नमेंट को डिफाइन किए थे, तो दैट वॉज डिफाइंड। तो आप अगर जब इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, वर्चुअल सेशन होते हैं, अब आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी हो गई ऑनबोर्डिंग, बोलेगी वर्क फ्रॉम होम इनिशियली, बट सेकंड एग्जाम्पल आप सिलेक्ट हो गए, कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, तो उनके ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो उसमें आपको नेटिकेट्स के रूल्स मालूम होने चाहिए। तो कृपया करके आज घर जाके व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेटिकेट्स आज एक्सप्लोर करेंगे। करेंगे क्या? यस सर। वेब सीरीज मत देखना, ठीक है, जाके प्रोटेस्ट पर वर्कआउट करो, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। यहाँ तक क्लियर हो? यस सर। जो भी हम नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू यूज करके जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गूगल मीट के लिए इंटरनेट चाहिए ना, जूम के लिए इंटरनेट चाहिए ना, तो व्हाट एवर द कम्युनिकेशन वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट कम्स अंडर नेटिक्वेट, दैट्स व्हाट नेटवर्क एटिकेट। इसलिए गवर्नमेंट ने नेटवर्क एटिकेट्स का नाम देने का पर्पस ये है कि नेटवर्क जब इंटरनेट यूज करके हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर हम ईमेल भेज रहे हैं तो देर आर सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ सेंडिंग एन ईमेल। हम उठे छोटे PFA लिख के नहीं भेज सकते। क्या होता, व्हाट इज PFA? सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है? यूजुअली प्रोफेशनल प्लीज फाइंड अटैचमेंट। जब मेल में बहुत ज्यादा होता है कि अटैचमेंट अपने दोस्तों को, तो हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर हो जाता आजकल, ठीक है। टेलीग्राम बहुत बड़ा है, मूवीज आई जाती है, ठीक है। सो PFA स्टैंड फॉर प्लीज फाइनल अटैचमेंट। अगर आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो तो उसमें प्रोफेशनल वे में ईमेल में अगर आपको शॉर्ट में लिखना है PFA, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक रूल्स। अब अपन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल? चलो फटाफट। अच्छा, सेशन बोर हो गया? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, राइट। चलो, ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब फुल फॉर्म मत बताना बस। यू आर वेरी ब्रिलियंट आई नो। डिजिटल? ओके। अब जो भी आपके मन में आता रहा था बिजनेस बोलते हैं, ईमेल शब्द से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? बोल फटाफट बोल। हाथ उठाते जाओ, बोलते जाओ बिंदास। अब बोलो, अब बोलने का मौका है, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी क्लास है। देखो, तुमको गलत हुआ तो दरवाजा बंद करके कभी मार सकते हो, समझे क्या? हाँ बोलो। ईमेल का मतलब, अरे ईमेल सुने ना, ऐसा तो नहीं है। तो ईमेल में पता है ना तुमको कि कुछ लिख के भेजना पड़ता है। हाँ तो बोलो बोलो, ईमेल से तुम्हारी समझदारी में ईमेल का मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, वेरी गुड। और सॉरी, वे ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैसेज। ओके नाइस। और बोलना हिंदी बोलो। मतलब सर, पहले पोस्ट ऑफिस होता है उसको अपग्रेड करके अपने ईमेल से आगे। पहले चिट्ठियाँ उससे जाती थी, अब मेल से जाती थी। जी गुड। और इधर बहुत आवाज आ रही थी यहाँ से। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा मालूम नहीं, ईमेल एक्सचेंज के भरोसे आप 25,000 से 30,000 का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। है नागपुर में अपॉर्चुनिटीज, इंटर्न्स फॉर ईमेल 15,000 to 18,000। अगर आपका ईमेल लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, अब अनुभव क्या कभी एक्सप्लोरिंग ही कह रहे हैं तुमसे,
अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारी इच्छा आईटी में जाने की भी है, लेकिन जब आईटी में जाते हो तो ना लाइक लाइक हो गई, ये भी बड़ा प्रॉब्लम बोलो हां ठीक है ना। ये पाइथन तक तो ओके था, लाइक हो समझ जाता हमारे दिमाग को, लेकिन वही हम लोग नोड जे ठीक है तो जावा जावा वो एक ही वायर चीजें पता है लोगों जावा डॉट नेट मार्केट में बहुत चीजें ठीक है। मतलब मेरा वो टेक्निकल सेशंस पे नहीं हूँ मैं अभी फिलहाल तो पता नहीं। सो देर आर अपॉर्चुनिटीज, इवन यू कैन अप्लाई टू फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन घर बैठ के। अगर आप ईमेल प्रॉस्पेक्ट पे आप जाते हो तो ईमेल भेजने के कम से कम वो 15-20,000 तो पका रहे वर्क फ्रॉम होम, बट अनफॉर्चुनेटली वी नेवर एक्सप्लोर दिस थिंग्स एंड पता ही नहीं है। तो जो आप बोलते हैं ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, आपको ना दिन में ना काम करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम ये 8-9 घंटे के जो कॉलेज में जाने के बाद आपको लगता है कि हम बहुत जंग जीत के आए घर पे, फिर मम्मी आती बेटा चाय खाएगा चाय खाएगी खाना परोस के मिल जाता है, कुछ हॉस्टल्स में होंगे कुछ रूम में रहते होंगे ठीक है हॉस्टल रूम में, तो हॉस्टल रूम में रहने के बाद रात में 2 घंटा व्हाट्सएप पर समय बिताने से बेटर है एक्सप्लोर दी होंगे। अभी आपके पास थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर को बिल्कुल टाइम लगने वाला और आपको तैयारी अभी करनी पड़ेगी बेटा। ये थर्ड ईयर में ही तैयारी करनी पड़ेगी, 7th सेमेस्टर में मार्केट ओपन हो चुका रहता है राइट, मार्केट ओपन हो चुका है और ये हम लोग सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। बोला ना एन नंबर ऑफ, तुम बोला ना आज मेरे को मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से 200 बच्चे लाके दो, मैं 200 को 2 दिन में प्लेस करने की औकात रखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल वो डेडिकेशन वो जील वो क्वालिटी वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मैच ही नहीं होते, उसके कारण हम लोग को ये यहाँ पे आके बगल करना होगा। एंड इस बकर को ये सेमिनार को ये सेशन को जब आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वी वेयर इन द मोड कि क्या ही होगा, मार्केट में निकलो देर आर एन नंबर। अब नागपुर में ही कम से कम 50,000 इंजीनियर्स बाहर निकलेंगे। हैव यू एवर आइडेंटिफाइड कि व्हाट इज माय पोजीशन एंड आउट ऑफ दिस 50,000? बचपन इंजीनियरिंग कॉलेज है नागपुर में 50 ठीक है, अरे छोड़ो यही तो कितने लोग बैठे होंगे 60-70 बैठे होंगे 50-60। हैव यू एवर आइडेंटिफाइड कि 50-60 में मेरी औकात क्या है? मैं जाओ एसबीएन में, जाओ एसबीएन में पूरे एसबीएन में आपको थर्ड ईयर में पहुंच गया, आप 3 साल में कितने लोग पहचानते हैं आपको क्लास को छोड़ के, कितने जूनियर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार ये सीनियर से इंटरेक्ट करना चाहिए, ऐसा कोई नियम बनाया तो? अभी वो भाई के पास जब पूरा झगड़ा सॉर्ट आउट करके देगा, टपरी में दोस्ती बहुत अच्छी है, धुएं के साथ वाली दोस्ती धुएं में छूट दिया करना, समझदार की सारा काफी है। तो जब तक बाटले खुलेगी तब तक दोस्ती बहुत सही सलामत रहेगी। हाउ वीकेंड्स रूम और सच, मैंने बोला एंजॉय, मैंने बोला ना यू आर फ्री टू डू ऑल दिस थिंग्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, आर वी फोकसिंग ऑन द अदर्स? सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि सर मैं ये कोर्स कर रहा हूं मैं ये ट्रेनिंग ले रही हूं, उससे नहीं होगा, आपका एफर्ट्स क्या है वो मैटर करता है ठीक है। तो हमको पता है ईमेल फटाफट स्क्यूअर मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, यहाँ से यूएस बिल्कुल बैठ के पहुंचा सकते, सबसे ईजी है, सस्ता है, गो ग्रीन पेपर सेविंग राइट राइट, इसके कारण आज के लिए हो गया था। अब दूसरा कम्युनिकेशन में होने के कारण बहुत बार आप लोगों ऐसा हुआ होगा कि व्हाट्सएप पे सामने वाला कुछ और भावना से मैसेज भेजना चाहता है, सामने वाले से गलत भावना से पढ़ते हो तो लेकर ठीक है, उसको बोलते कम्युनिकेशन। अब वो लड़का एक्सप्लेनेशन दे देके चला जाता है, मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ पे लड़की तुम्हारा कोई भी मतलब हो राइट, सो यही होता है। टुडे वी अवॉइड फेस टू फेस कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी दैट इज एब्सोल्युटली नॉट परफेक्ट, इसलिए जो आप मोबाइल यूज कर रहे थे, मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ, इवन मैं प्रोफेसर्स का भी जब सेशन लेता हूँ मैं बोलता हूँ मेक अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन द थिंग्स, एंड जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हो, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल इंजीनियर सक्सेसफुल मैन है या बिजनेस मैन है, उनका सबसे बड़ा प्रैक्टिस होता है कि वो लिखते हैं
अनफॉर्चुनेटली आज तक आप में से आई एम नॉट श्योर लेकिन एक भी बच्चे ने सेल्फ इंट्रो खुद के बारे में लिखा नहीं होगा. सेल्फ इंट्रो एंड सेल्फ इंट्रो इज नॉट लाइक 14 पॉइंट्स होते सेल्फ इंट्रो में 14 सेल्फ इंट्रो का क्वेश्चन एग्जाम में सेल्फ इंट्रो का इंटरव्यू के हिसाब से सेल्फ इंट्रोडक्शन या टेम्पलेट समथिंग अबाउट योरसेल्फ को जब मैं ट्रेनिंग लेता हूं तो मेरा एक महीना ट्रेनिंग हार्डकोर इस पे लेता हूं कि हाउ टू गिव द फ्लुएंट सेल्फ इंट्रोडक्शन क्योंकि आपका ये सेल्फ इंट्रो ही आपको पैकेज मिला जाएगा. दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर कि हाउ मेनी सर्टिफिकेशन यू हैव डन फ्रॉम कोर्सेरा और यूडेमी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. नागपुर के अटलांटा से सर्टिफिकेट लेने के कारण तो होगा ही ये बहुत अच्छे से आते लोग तो हमने अटलांटा में एडमिशन लिया. सबसे वाहिया इंस्टीट्यूट बोलूँ तो अटलांटा बहुत अच्छे से आते लोग पाइथन में क्लास का करने आते हम पढ़ाता कौन है. एक स्टूडेंट होता वही पढ़ा रहा होता पाइथन का. अटलांटा में कौन कुमार गया है यू विल गेट टू राइट. सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. तो दैट्स मिसकम्युनिकेशन अगर करना तो आज हम लोग फटाफट देखने वाले हैं स्पीड में कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल. नेक्स्ट व्हाट इज एन ईमेल. तो दिस इज अ डेफिनेशन. अगर आप कभी गलती से अभी हो सकता है आप लोगों को जागृत हो गया कि ईमेल की इंटर्नशिप मिलती है 20-15 हज़ार मिलते हैं तो कोई ना कोई तो मुंह मारना शुरू करेगा गारंटेड कि कहाँ मिलती. तो हॉस्टल वाले हॉस्टल वाले का कौन सा शहर के लोग बहुत रईस है हम भी बेरोजगारी है. ठीक है. तो सबसे पहले इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड मेल तो उसमें व्हाट इज एन ईमेल सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछता तो दिस इज एन आंसर. ठीक है. तो अ टेक्स्ट बेस्ड मेल सेंड बाय कंप्यूटर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जो ऑलमोस्ट सभी ने यही आंसर दिया जो सबको इतना ही पता है. ठीक है. सेकेंड इट इज अ पुश टेक्नोलॉजी. अभी कितने लोग को पता था ई मेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पुश टेक्नोलॉजी. पता था या नहीं पता था. अरे बोलते जाओ ना. नहीं पता था. राइट. Why it is called as a push technology? Can anyone? Very common sense. Very common. Very good. Sending. हाँ. अगर आपने message type करके रखा, draft करके रखा, right? Draft करके रखने के बाद ऊपर से भगवान आएंगे और send button दबाएंगे ऐसा हो गया? नहीं. या जिससे बहुत special बात कर रहे थे वो वहाँ से send button दबाएंगे आपके email send हो जाएगा क्या? नहीं. External efforts required that you need to press the send button. That is the limited spot. Push का मतलब क्या होता है? आगे करना. Yes sir. आगे धक्का देना, है ना? तो हमने क्या किया? मेल को धक्का दिया आगे के inbox के लिए. That's why it is come under the push technology. Is it clear to everyone? Yes sir. So I hope it will be. आने वाले मूवमेंट में समझ में याद रहेगा. ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या है? इट वेट्स फॉर यू. ऐसा होता है क्या? अरे नंबर आपने आप लोगों को मेल भेजा दी और ऑफर लेटर हैज बीन डिस्पैच 24 घंटे आपने ईमेल ओपन नहीं किया जो हम लोग रविश नहीं करते. ठीक है. 24 घंटे ईमेल नहीं किया. अब लेट मी टेल यू कुछ आईटी कंपनीज के जब बड़ी बड़ी कंपनी लाइक कंसिस्टेंट नागपुर में आपको रहा कंसिस्टेंट एक्सेंचर इसमें ऐसा उन्होंने सेट किया हुआ है कि अगर आपने विद इन नेक्स्ट 10 डेज या 15 डेज में ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मेल मैनेज हो जाता है. और अगर आप 10-15 दिन कुल्लू मनाली में होंगे तो घर आने के बाद बेरोजगार घोषित किए जाएंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक अ प्रैक्टिस ऑफ बेरिंग चेकिंग ऑफ एंड ऑल टुगेदर. हमें पता है आजकल पूरे मार्केटिंग के मेल आते हैं क्रेडिट कार्ड सब कुछ जोमैटो को तो मेल और स्विगी के मेल भर पड़े. यस और नो? ये ऑफर ये ऑफर फिर उसके बाद ऑनलाइन वालों के होंगे ट्रेनिंग के सिंपल लर्न. ठीक है. ये पूरे इंटरनेट सारा तो पूरे गांव को पढ़ते उसके बाद एनपीटीएल पूरे गांव को पढ़ते होता. ठीक है. स्टूडेंट डेटा इज बोलते बहुत काम का डेटा होता है. तो ये मेल हमारे पास होते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने काम के लोगों से नेटवर्क ही नहीं बनाया अभी तक. यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अ नेटवर्क प्रोफेशनल लोगों को कनेक्ट करना. आप उसके लिए लिंक्डइन पर ज्वाइन करो. ठीक है. लिंक्डइन उधर फेसबुक बंद हो जा रहा है. ठीक है. सो एंड सेकंड वी कैन सेंड दिस वन टू मैनी. अब माय क्वेश्चन इज एक मेल में एक साथ कितने लोगों को मेल भेज सकते बताओ. एक साथ एक मेल में कितने लोगों को हम मेल भेज सकते हैं. ये क्वेश्चन भी आपसे आज तक किसी ने नहीं किया होगा.
अंदाजा 250 ओके और बोली लगाओ 201 202 आगे कोई इसके ऊपर नीचे पीछे बालकनी वाले रिक्लाइनर में बैठे तो रिक्लाइनर में हाँ पीछे इधर हाँ और हाँ अरे दो हजार की बोली लगे एट अ टाइम वी कैन सेंड 500 ईमेल्स मतलब 500 लोगों को एक साथ सीसी में रखते हैं जो आप कार्बन कॉपी ठीक है 500 250 में थोड़ा सा करना था ठीक है 2000 में ऐसा अपन 500 500 चार बार भेज सकते और आपके दो चलो नेक्स्ट ओके फटाफट आप मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज राइट इट डाउन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल ये बहुत जरूरी होता है वैसे मेरे को राइट डाउन भूलने की गरज नहीं पड़नी चाहिए बट इतना एहसान तो बनता है इतने शांति से कभी सुन रहा है स्क्रीन शॉट नहीं लेगा कोई भी बोर हो रहा तो मेरे को बता देना मैं वहीं बंद कर दूंगा चलने दूं yes. ठीक है अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल तो दिस इज द प्रोफेशनल नेम पहला होता है एड्रेसिंग एड्रेसिंग में किसको हम भेज रहे हैं ठीक है सेकंड होता है सब्जेक्ट थर्ड इज मैसेज टेक्स्ट अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ये जो पॉइंट है ना दीज आर दी बाईपास आउटलाइन ऑफ द ईमेल है ठीक है यहाँ पे अभी और कैटेगरी में अंदर घुसने वाले हम लोग यहाँ पे ठीक है आप में से कितने लोगों का बना हुआ है सिग्नेचर यानी आपकी साइन नहीं है आपके ईमेल्स में प्रोफेशनल आपका जीमेल आईडी होगा यस सर ठीक है आपके प्रोफेशनल जीमेल आईडी में कितने लोगों की सिग्नेचर्स बनी हुई है स्टैंडर्ड नहीं नहीं बनी ना कहाँ जी रहे हो ये गाइस ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट ये मेजर है हम लोग ना बहुत सारा टाइम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे टाइम दे रहे हैं अपने आप को ठीक है बट दिस कम्स अंडर द सॉफ्ट स्किल्स राइट तो मेरा सेगमेंट इसलिए मैंने ये सेगमेंट चॉइस किया बिकॉज ये सेगमेंट में लोग ध्यान नहीं दे रहे और इसलिए ये सेशन में पेटेंटली लेता हूँ बिकॉज आपका फर्स्ट मोड ऑफ कॉन्टैक्ट अभी इंटरव्यू तक तो बाद में जाना है पहले HR को कॉल तो आए कि हाँ भाई आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी दावत पे है राइट सो इट्स ऑल अबाउट एड्रेसिंग सब्जेक्ट मैसेज टेक्स्ट अटैचमेंट्स एंड सिग्नेचर हो गया ये याद हो जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट मतलब आधी रात को कोई लात मार के उठाए बता रहे हाँ तो हाओ बिल्कुल सर एड्रेसिंग सब्जेक्ट मैसेज टेक्स्ट अटैचमेंट सिग्नेचर झूठा होना चाहिए इज इट क्लियर पीछे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ना जब हम कर रहे हैं तो एड्रेस पे सबसे पहले अगर अभी आपने जीमेल ओपन ही किया था ठीक है तब तो अपने मोबाइल में जीमेल अगर अपन यूज करते हैं ठीक है जीमेल है सबके पास ठीक है वो एंगुलर वाले सिग्नल में जब आप ओपन जाके करते हो तो सबसे पहले आपको ऊपर अपनी आईडी लिख के आती है राइट तो उसके बाद नीचे होता है टू क्या लिखा होता है हाँ टू में हम जिसको भेज रहे हैं मेन पर्सन याद रखो टू में जो भी हमारा मेन पर्सन होता है उसकी आईडी होनी चाहिए टू में 10 लोग नहीं होते हैं समझो अगर आप प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो वीपी सीसी में रहेगा ठीक है अब सीसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है सीसी स्टैंड फॉर अच्छा कितने लोगों को ईमानदारी से बताना सीसी का फुल फॉर्म नहीं पता था प्लीज ईमानदारी से उठाओ सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता नहीं पता था उठाओ कोई टेंशन वाली बात नहीं
सीखने बैठे ना यहाँ पे उठा लो सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है गुड जिन्होंने हाथ एक्सेप्ट किया है रियली अप्रिशिएट ठीक है बाकी लोगों को पता था यस गुड ठीक है तो सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं बीसीसी पे ज्यादा टाइम लूंगा ठीक है तो सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी तो कार्बन का पर्पज सबको पता है रसीद बिल के नीचे छापते तो एज इट इज वही छपता है ठीक है तो जो मेल हम टू पे बैठे रहे जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है वही मेल सीसी में जिन लोगों को रखते हैं उनको तो जब आप कॉर्पोरेट या आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे आपको ये नहीं बोलता उन लोग एक ही प्रोफाइल बोलते हैं कीप मी इन लूप क्या बोलते हैं फिर से बोलो कीप मी इन लूप का मतलब होता था कीप दैट पर्सन इन सीसी अगर आप मेल भेज रहे हो ठीक है तो कीप मी इन लूप का पर्पज ये होता है कि मुझे सीसी में रख देना सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन इज इट क्लियर नाउ बीसीसी का पर्पज क्या होता है वो बताओ वहां से पढ़ के मत बताओ अब कल जो लोगों का मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उस अंडरस्टैंडिंग से बताओ बीसीसी क्या होता है कितने लोगों को पता है क्या होता है मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बताओ ना कितने बोलो किसको हिडन और एनीवन टू हाईलाइट ऑन दिस है ना सब नए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस वाले यस सर तो क्या लगता है इम्पोर्टेंट है या नहीं है हाँ है ना तेरा मार्क इस क्वेश्चन के बराबर है उसी की तैयारी करते तुम लोग दो यूनिट पढ़ना है बोले अपने को तेरा तेरा मार्क के चौदह तो इंटरनल मिल नहीं है है ना नहीं चौदह तेरह तेरह छब्बीस और चौदह चालीस तो चाहिए ना और मैं तो ऐसे पेपर निकाल गिन गिन के गिन गिन के चलो तो बीसीसी का पर्पस क्या होता है ध्यान से सुनो मैं सिनेरियो क्रिएट करके दे रहा हूँ लिसन केयरफुली ठीक है अब ये हमारे फाइव ईयर डिप्लोमा करके आए डिप्लोमा के बाद भी नौकरी नहीं मिली करेंगे इंजीनियरिंग में पूरा ठीक है वहाँ से इंजीनियरिंग अच्छा एन आई टी पड़ोसी में ठीक है बराबर है ना इसलिए वापस आना पड़ेगा ठीक है तो NIT से भाई से ने डिप्लोमा किया अब क्या हो गया भाई जॉब ढूंढ रहा है भाई जॉब ढूंढ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं मानो कि हम सीखने पे बिलीव नहीं करते हम जाते हैं पूडा के कंसल्टेंसी के पास ठीक है बहुत लोग जाते हैं पता है ना कंसल्टेंसी ठीक है कंसल्टेंसी वाला बोलता है कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन लगेंगे पहले मैं आपको कॉल करूँगा ठीक है ओके आप 500 रुपये रजिस्ट्रेशन दे दें हमारे बहुत पैसे होते हैं ठीक है 500 ऐसे बांट के देखें 10 कंसल्टेंसी में 500 बांटते हैं ठीक है 5 कंसल्टेंसी में भी तुमने 500 बांटे कितने हो गए 2500 रुपये उससे बेटर वो 2500 ना किसी को देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख ले रहे तो नौकरी मिल जाती है समझ रहे हैं चलो कमिंग टू द पॉइंट 500 रुपीज दे दिया अब उसने क्या हुआ एक पर्टिकुलर पर्सन ने बोला कि ये कंपनी आई है ये कंपनी में आपको 50% चेक एडवांस में देना पड़ेगा 50% आपको ज्वाइनिंग लेटर के बाद कंसल्टेंसी के जो मोड होते हैं ठीक है भाई जॉब लगने के बाद पैसा लेते तो उसने कंडीशन दिया ये तो बहुत ही गरज में था कि सब जो मिले दे दो तो एक कंपनी कंसल्टेंसी का कॉल आया कि भाई हाँ ठीक है यहाँ ओपनिंग है उतना लगेगा अब आपका नाम दीप्ति आईलैंड का जॉइन कर दिया एक भाई बस ठीक है सो तो ऋतिक रोशन साहब गए ऋतिक सेल्फ आइडेंटिटी तो ऋतिक को लगा कि यार ये पर्सन डाउटफुल लग रहा है तो ऋतिक के एक चाचा है जो क्राइम ब्रांच में ठीक है तो उसको लगा कि भाई कंसल्टेंसी में बहुत फ्रॉड्स होते हैं न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ा रहता है कि धोखाधड़ी हो गई है तो उसको सिक्योर नहीं लग रहा था कि भाई तो सामने वाले ने बोला कि आप एक चेक मेरे को भेज दो तो उसने क्या किया चेक का फोटो निकाला PDF करके उसने मेल पे कर दिया तो उसने क्या किया टू पे पर्टिकुलर पर्सन जो कंसल्टेंसी वाला है उसको टू पे रखा ठीक है सीसी में उसने अपने पापा को रखा
कि पापा को पता होना चाहिए, ठीक है। बीसीसीए में उसने क्या किया, अपने चाचा को रख दिया जो कि क्राइम ब्रांच में, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। अब इसने बीसीसी में अपने चाचा को रख दिया, तो ऊपर जो कम्युनिकेशन चल रहा है टू और सीसी में, तो टू वाला जो कंसल्टेंसी वाला पर्सन है उसको पता है कि सीसी में कौन है, बट वो जो टू वाला पर्सन है ही वोंट बी एबल टू, शी वोंट बी एबल टू सी कि बीसीसी में कौन है। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ रहा। लेकिन बीसीसी में जिसको रखा गया है उसको पूरा कम्युनिकेशन दिख रहा है कि टू और सीसी में किसके साथ क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। समझ में आ रहा क्या? तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी, स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो इट इज हिडन फॉर द सेंडर, ठीक है। टू वाला जिसको हम भेज रहे हैं और सीसी में जिसको रखा है वो दोनों को नहीं दिखेगा कि बीसीसी में किसको रखा गया है। अब नाउ लेट्स रिलेट विद दिस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। आपके कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, अटैचमेंट या कुछ पीडीएफ अगर आप अपने बॉस को भेज रहे होंगे, फॉर द सेफर साइड आपने बीसीसी में एक ऐसी आई डी रख दो, हो सकता है कि भाई हम दोनों बहुत अच्छे कलीग है, बचपन से एकदम साथ में है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। मेरा मेल अगर करप्ट हो जाता है, मेरा जीमेल आई डी पासवर्ड छूट जाता है, तो मैंने सेफर साइड पे इसको बीसीसी में रखा था, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को इसके बाद में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? पर्पस समझ में आएगा बीसीसी का? बहुत ईजी वे में समझ, और डिटेल और ईजी करने की कोशिश करूँगी, अंडरस्टूड। समझ में आया? तो पर्पस ऑफ बीसी समझ में आया? दिस इज वेरी मच नीडेड गाइस टू अंडरस्टैंड, एंड कोई भी इतना डिटेल में नहीं समझा के देगा मैं शक लगा दे रहा हूँ। क्लियर है? This is the main. The subject line is the first thing, the target receiver, C value, sorting through the notification. अगर आपके Gmail का notification on होगा, तो आप लोगों को जो भी mail आता होगा, तो first ऊपर एक notification आता होगा, right? WhatsApp के भी message, अगर किसी का हमें message पढ़ना नहीं है, है ना? ATS, anti terrorist squad की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्या होता है? कितने भी लोग आके पता जाएंगे जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, बिग ब्रांड्स जो है, दे यूज ATS सॉफ्टवेयर टू स्क्रीन दी रेज्यूमे और ईमेल, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना रेज्यूमे, अब मैं आपको दोस्तों आप सुन के बोला, आप लोग अपना रेज्यूमे बनाते होंगे वर्ड फाइल में, अभी नया ट्रेंड आया कैनवा, है ना, कलरफुल, इधर से ब्लू, ऊपर ब्लू, ठीक है, कोई हरा, किसी को शिवसेना बहुत पसंद है तो ऑरेंज भी चलते हैं, ठीक है, सरकार बीजेपी की है तो भी ऑरेंज चल रहे, तो ठीक है, तिरंगे के चार कलर होते हैं, रेज्यूमे भी हमारा रंग बिरंगे होना चाहिए, ठीक है। बहुत ऐसे कैनवा इज गुड फॉर फ्लायर, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैनवा इज नॉट गुड फॉर रेज्यूमे, ठीक है। वन पेज सीवी का कॉन्सेप्ट आया है, वेरी गुड, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अभी इला का मैडम करेंगी सेशन, डोंट वरी, तो वैसे ही बता रहा हूँ। ATS में क्या होता है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, ठीक है, और बहुत हो गया तो वर्धना, यहाँ तक तो पहुंचे नहीं होंगे, टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी भी खेल रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, और एरिया थे बहुत हो गया, ये फॉन्ट एक्सेप्टेड ही थे, ATS compliance में ये फॉन्ट एक्सेप्टेड ही नहीं है। इसलिए आपको सुना होगा कि सर मैंने रेज्यूम भेजा HR की कॉल ही नहीं आया, अभी तेरा रेज्यूम HR तक पहुंचे ही नहीं, ठीक है, पहुंचा ही नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने अप्लाई किया है फिल्टर तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारे कुछ वर्ड्स वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, मेल में सब्जेक्ट लाइन में आपका वर्ड अवेलेबल नहीं है, कीवर्ड्स की हम बात करते हैं, तो उन्होंने वहाँ स्टैंडर्ड कुछ कीवर्ड एल्गोरिथम में डाला हुआ है, अगर वो कीवर्ड आपके सब्जेक्ट लाइन में होगा या आपके मेल में होगा तो ही आपका मेल उसको पॉपअप होगा, तो ही आपका रेज्यूम उनको तक जाने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा कैनवा
नहीं लेती। अगर कॉलेज में कंपनी आ रही है, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव है, तो फिर तो तुम पैसे भी दे सकते हो, कुछ नहीं। लेकिन जब आप अपने लेवल पे बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो ऑफ कैंपस प्रोस्पेक्ट में, तो यू हैव टू मेंशन दिस रूल्स, यू हैव टू बी प्रेजेंट विद दिस लॉज, विद रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग एट द मोमेंट, यू शुड बी प्रीटी श्योर। तो मैं आपको ये बोलूँ कि आप कॉलेज के लेवल से बैठने की जरूरत नहीं है। फ्यू थिंग्स विच डेफिनेटली रेट यू नो, आप खुद अपने लेवल पे जॉब ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे को काफी लेवल को काफी डेवलप करने पड़ेगी अभी से। अब ये एक साल है, मैं बोला ना सिर्फ जिंदगी का ये एक साल बहुत प्रिसाइसली अपने आप को दे दो। प्लस में गाइस फाइनल ईयर में जो बड़ी बड़ी कंपनी थी 17-18 की जो सपने देखते हैं हम लोग, ये मिलते हैं। हम लोग वाले भी बच्चे वही है जो तुम खाते हो, वो ही खाना खाते हो, जो स्पेशल नहीं होता, लेकिन वो पैशन है, डेडिकेटेड होते हैं। आप भी अब ना एक साल घुसो तो उसमें पार्ट ऑफ भीड़, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन बहुत ऑलवेज स्टेट है, सब्जेक्ट लाइन अब आपका सब्जेक्ट लाइन तो बनो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट लाइन में कितने वर्ड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट लाइन में कितने वर्ड्स होने चाहिए? आप बोल तो दिए कि सब्जेक्ट लिखना है। Have you guys expected this type of question? Have you expected this type of question? नहीं ना? ये बहुत फिगर आउट है, ये स्टैंडर्ड फिगर मार्केट में अवेलेबल है, बड़ा पता नहीं। चलो कितने स्टैंडर्ड वर्ड्स होने चाहिए बताओ। 50 वर्ड्स बोलो। शोर क्या अंदाजा है और इधर तुमको मेरे जब क्वेश्चन आ रहे तो समझ में आ रहा है कि हम कहाँ हैं? हार्डली 7 to 8 वर्ड्स। और 7 to 8 वर्ड्स में आप जो ईमेल पूरा लिखने वाले हो, वो ईमेल का पूरा समरी 7 से 8 शब्दों में होना चाहिए। ईमेल की समरी हो 7 to 8, तो आपको सोचो सब्जेक्ट लाइन में बोलना, ईमेल लिखने में तकलीफ नहीं आएगी, सब्जेक्ट लाइन लिखने में बहुत तकलीफ करती है। हम लोग जब आज प्रोफेशनल मेल्स भेजते हैं एचआरस को या डायरेक्टर्स को, डायरेक्ट एक्टिवेशन हेड्स को, जो ऑल इंडिया हेड्स को जो मेल भेजता हूँ, ठीक है, आई हैव टू वेरी प्रिसाइज इन द वर्ड्स व्हिच आई एम यूजिंग फॉर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बाद ही वो मेरा मेल पड़ेगा। अरे लेटिंग ऑफ मनी आपकी नजर बोलना, आपको ईमेल अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं जब ईमेल सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ तो ईमेल सेशन में मैं कम से कम उनको हफ्ता भर 50 अलग अलग कंडीशंस के सब्जेक्ट लिखने बोलता हूँ, अलग अलग कंडीशंस के 50 मिनिमम, 50 तोला नहीं, 50 डिफरेंट केस कंडीशंस देता हूँ कि ये कंडीशंस पे अगर आपको अप्लाई करना है तो व्हाट इज द मेल, डिफरेंट प्रोफाइल्स। आधे लोगों को प्रोफाइल क्या लिखना ये नहीं समझ आता, इसलिए मैंने 2 शब्द बना दिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर जैसे बना दिया था। प्रोफाइल स्टडी करो, कौन कौन सी प्रोफाइल्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको अभी से रीच आउट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यू सेंटेंस केस, कीप इट शॉर्ट, लॉन्ग सब्जेक्ट लाइंस मोस्टली इग्नोर्ड, आगे 50 20 दिक्कतों के लिए समझे, लॉन्ग सब्जेक्ट लाइन विल गेट इग्नोर्ड, नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो पूरा इन्फॉर्मेशन है, दिख रहा ना नोटिफिकेशन में दिखना चाहिए कि भाई हाँ किस पर्पज के लिए बंदे ने मेल भेजा होगा, तो उसके लिए आपको उनकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो जॉब डिस्क्रिप्शंस, प्रोफाइल, ये पूरी पढ़नी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू सब्जेक्ट समराइज। मेरे को बताओ 3 घंटे की पिक्चर जब किसी को स्टोरी बताते हो तो एक एक सीन डिस्क्राइब कर देंगे, प्रिसाइज बताते समराइज, राइट? ओके, यू सेंटेंस केस नॉट ऑल कैप, हमें यह लग रहा है कैपिटल लेटर लिखने से सामने वाला बहुत जल्दी पड़ेगा, कैन एनीवन टेल मी what is the meaning of writing all capital letters, can anyone, what is the meaning of writing all capital letters, I know ye question bhi kisi ne nahi kiya hoga, bahut bada mahatva hai uska, bahut bada, इसके कारण आप अपने हाथ में आई नौकरी खो सकते हैं,
और ये चीज अभी से व्हाट्सएप पे भी आप किसी के साथ चैट करते हो, फैकल्टी के साथ चैट करते हो या कन्वर्सेशन करते हो, तो मेक अ नोट ऑफ इट, डू नॉट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स. उसका मैं राइटिंग लैंग्वेज में बताता हूँ. मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में मेरी एक सरप्राइज पैकेज है, ठीक है. तो आई एम अ सर्टिफाइड, नेशनल सर्टिफाइड बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर हूँ मैं. तो यहाँ पे कौन कौन सी पोजिशन में बैठा है, इसके सिर कैसे हैं, हाथ लगा चेंज करो. अभी मतलब स्टार्टिंग में 10 मिनट इज ओके फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि बच्चे को माइंडसेट क्या है, कौन एटेंटिवली सुनना चाहता है, कौन डेडिकेटेडली इसको फोकस कर रहा है और कौन मजबूरी में बैठा है, वो मेरे को शुरू के 10 मिनट में रियलाइज हो चुका है, ठीक है. कि आपके हैंड मोशंस कैसे हैं, आप झुक के बैठे हैं स्ट्रेट बैठे हैं, आपके हेड नॉडिंग्स कैसी हो रही है, लेफ्ट राइट में हो रही है या स्ट्रेट हो रही है, ठीक है. आपके आई कॉन्टैक्ट्स कहाँ हैं, ये पूरा 10 मिनट्स में स्कैन हो जाता है, ठीक है. तो इट विल क्लियरली जस्टिफाई कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इससे मैं सिर्फ मैं आपको काउंट देता हूँ 15 से 20 लोग ही हैं जो एक्चुअली इस चीज़ें मैं बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, 15 to 20, ठीक है. यू सेंटेंस के ऑल कैपिटल लेटर्स का मतलब मैं अभी बता देता हूँ. ऑल कैपिटल लेटर्स का लिखने का मतलब ये होता है, अगर मैं रीडर हूँ, मैं कंपनी का रीडर हूँ, प्रोफेशनली इस चीज नोटिस की जाती है, तो अगर आप कोई कैपिटल लेटर्स में मुझे लिख के भेज रहे हैं, तो कैपिटल लेटर्स में लिख के भेजने का मतलब ये होता है यू आर शाउटिंग ऑन मी, इट्स अ मीनिंग ऑफ दैट्स कैपिटल लेटर. राइटिंग की भाषा मत करो, आपका राइटिंग ही स्टडी होती है, आपका कैरेक्टर आप जिस वे में लिखते हैं राइटिंग कैरेक्टर्स जज करवाता है, और ये एचआर लोग को ये ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है. ये जो आप कंटेंट यहाँ लिखते हैं, आप लोग टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप किस तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसमें आपने क्या यूज किया, वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है. नौकरी नहीं मिलने का रीजन सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम लोग की अंग्रेजी खराब है उसी कारण रिजेक्शन नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ों पर हमने लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है. तुम तो आगे ज्ञान के लिए चले गए, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, राइट. आज मार्केटिंग के लिए आ जाओगे ना, ज्वाइन करो और ज्वाइन कर लेंगे. लेकिन नया क्या है आपके पास, ऐसे तो हर गली में दुकान है, बोलो हाँ, हर गली में दुकान है. आज तो नॉर्मल DTP ERP वाला भी लिख के रखता CC++, राइट. तो मैटर्स अ लॉट व्हेन रिप्लाइंग चेंज द सब्जेक्ट मैटर, पार्टी प्लानिंग की मीटिंग रीशेड्यूल होगी जिसके पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि मेल में क्या लिखा होगा. अरे आया ना, आपको मेल पढ़ना पड़ेगा कि वैल्यू चेंज हुआ क्या, क्यों रीजन से हुआ, वो मेल में प्रोफेशनली कंटेंट होगा. लेकिन सब्जेक्ट में समझ में आएगा कि मेरे को पार्टी मीटिंग के लिए जाना था, मीटिंग में वो रीशेड्यूल होगी, या तो वो 1 बजे थी तो 3 बजे हो गई, या तो 5 बजे थी तो प्रीपोन्ड हो गई. अरे गेटिंग अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन. देखने में बहुत अच्छा लग रहा बेटा, जब ड्राफ्ट करने की जानकारी देना पूरे ठीक है. दूसरा है, कल के बाद दो कॉलर डाला हुआ है, आई कांट फाइंड द ड्राफ्ट फॉर दिस बिल पेपर. अब ना सपोज वी ऑल आर टीम, वी हम लोग एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वी ऑल आर टीम, ठीक है. तो हम लोग का एक टीम ग्रुप होगा, टीम मेल होगा, जिसमें मेरे सब लोग ऑलरेडी चेंज में होंगे. तो मैंने क्या किया, वो एक मेल नोटिफाई कर दिया हेल्प, तो पहला नोटिफिकेशन क्या आ रहा, अब अपन टीम में है ना, वो टीम का मेल आया है, प्रोफेशनल मेल है. तो मैंने हेल्प नोटिफाई किया, तो जो भी मेल पड़ेगा सबसे पहले वो क्या नोटिफाई होगा कि एलन अब्राहम इज सीकिंग फॉर हेल्प. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर.
रिमाइंडर है प्रोफेशनल वे में, अगर मेल आ रहा है रिमाइंडर आया तो मतलब क्या कनेक्ट कर रहे हो क्या आप लोग डॉट्स? ठीक है, कांग्रेचुलेशंस टू जेनिफर फॉर विनिंग नोबेल प्राइज, ये मेल का सब्जेक्ट लाइन है, तो यू नो कि व्हाट शुड बी द मैटर। तो ना हार्डली देख लो सब में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको डालो मेन वर्ड्स, मेन प्रिसाइज वर्ड इज 7 to 8, बहुत ज्यादा हो गया तो 10 तक खींच सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस, लेकिन ट्राई टू वाइंड अप योर सब्जेक्ट लाइन विद इन 7 to 8 वर्ड्स, एंड दैट इज नॉट इजी, लिटरली दैट इज नॉट इजी, सबसे बड़ा चैलेंज है सब्जेक्ट लाइन। मैं बोल रहा हूँ तुम इंजीनियर बन जाओगे, 4 साल की डिग्री खत्म हो जाएगी तुम्हारी, तो ये 7 शब्द लिखना मैंने बहुत जान लगती है, बहुत जान लगती है, आज 10-12 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी वी आर फेसिंग चैलेंजेस, और आपको उस समय किसी ने बताया नहीं था, शायद उस समय बताया था तो इम्प्रूव कर लेते, यू हैव टाइम, यू हैव टाइम, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, नेक्स्ट, तो ठीक है, इस पेपर नहीं जाएंगे, पर डायरेक्ट पेपर नेक्स्ट अटैचमेंट का मतलब, हाँ, यूज प्रेफरेबल यू आर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने, लेट्स से एग्जांपल, आप कोई कंपनी में इंटर्न अप्लाई करना चाहते हो और आपने कोई वेबसाइट बनाई तो कंपनी वेब डेवलपमेंट में काम करती होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो प्रेफरेबल हो सकता है तो मेल में आपकी यूआरएल भेजो रादर देन सेंडिंग द वेबसाइट नेम। अगर आप मेल पे यूआरएल भेजो तो क्लिक करके वो आपका काम कैसे वो चेक कर लेगा। ठीक है, तो प्रेफरेबली अटैचमेंट में अगर आपका यूआरएल है आपके डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड, आपको पता डिजिटल सिग्नेचर में आजकल यूआरएल जाते हैं, आजकल वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं जाती है, आप लोग अटैचमेंट रेज्यूमे का कौन से फॉर्मेट में भेजते हो, वर्ड या पीडीएफ? एब्सोल्युटली रॉन्ग, पीडीएफ फाइल भेजनी नहीं चाहिए। हम पीडीएफ क्यों भेजते? ताकि अलाइनमेंट बिगड़े ना, ठीक है, कोई कंटेंट चोरी ना करे, आई लव पीडीएफ से वर्ड का भी कन्वर्ट होता है, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली इट इज एक्सपेक्टेड कि यू शुड सेंड द डॉक्यूमेंट इन वर्ड फाइल, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये इतने काफी निकला, सिग्नेचर इससे भी आगे आने वाला हूँ, मैं ये सब थोड़ा इसलिए आपको अवॉइड कर दे रहा, ठीक है, सिग्नेचर क्या होता है नाउ, सिग्नेचर जब मैंने आपको बोला था, सिग्नेचर इज नॉट अबाउट योर साइन, सिग्नेचर इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच यू हैव टू मेंशन एट द, आप लोग जब मेल आता होगा प्रोफेशन तो नीचे लिखा होता है रिगार्ड्स, ठीक है, एरन अब्राहम कॉर्पोरेट रिलेशनशिप ऑफिसर, मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी, मेरा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी लिंक्डइन आईडी, समझ आ रहा है? तो आपका ईमेल अब आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ईमेल बहुत प्रिसाइज और बहुत स्पेसिफिकली ड्राफ्ट करके भेजा है ना, तो ऐसा तो आपका रेज्यूमे पढ़ने की जरूरत है, ईमेल पढ़ने के बाद ही दे विल गिव यू अ कॉल, और वो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन शुरू भी होनी चाहिए, इसलिए सिग्नेचर वेरी इंपॉर्टेंट। आज सिग्नेचर जाके बनाना, कैसे बनाना मैं बताने वाला हूँ, बनाएंगे क्या? यस सर, ठीक है, नेक्स्ट। नाउ मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अपना ईमेल स्ट्रक्चर का अपन बाईपास देख रहे हैं, अपन स्टडी करूँ से आप चेंज करते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर जगह से पूछता हूँ, ठीक है, हर जगह से पूछता हूँ कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ईमेल, पहला क्वेश्चन, और हमें जब ईमेल लिखना हो तो हाउ मैनी स्टैंडर्ड पैराग्राफ डज ईमेल शुड टेक, कितने स्टैंडर्ड पैराग्राफ होने चाहिए? हाउ मैनी स्टैंडर्ड पैराग्राफ, अब ये क्वेश्चन तो कितने लोगों ने सोचा आज तक, सोचे या नहीं सोचे? अरे यार, हाउ मैनी स्टैंडर्ड पैराग्राफ यू शुड राइट व्हेन राइटिंग अ प्रोफेशनल ईमेल टू एनी कंपनी और कॉर्पोरेट और एचआर, हां, अरे बोलो ना, हाथ उठा के बोलो, टू और लगाओ बोली, अब आयर ना बनता है, हाँ, थ्री और टू,
So how many of you said there will be two paragraphs? Just raise your hands. Only said the path out of. Or how many of you said three? No, no, no. कोई तरवा ले करो बाकी लोग क्या बोलते हैं सर एक मैच काम निकल जाएगा यस सर है ना यस 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 सर एक मैच काम निकाल लेंगे है ना यस सर आई डिड अच्छा कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ जैसे दो बोले पैराग्राफ के नाम बताओ ऑफिशियल नेम ऑफ दैट पैराग्राफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोलना क्वेश्चन की भी हमने किया है अरे जितने मैंने क्वेश्चन पूछे सब नए हैं आपकी जिंदगी में सुने के इसके पहले अच्छा अच्छे क्वेश्चन थे कि टाइम पास हो रहे थे अच्छे थे चाय भी लेंगे और कुछ चाहिए तो वो बता देना दूर जा दो दूर के मुक्ति रहे नहीं नहीं आई नेवर ड्रिंक इट मोर आफ्टर मी भी दिखता है ऐसे हराम को तो Very good. ठीक है अब उसमें से मैंने तीसरा बजा था जब अपन मैसेज टेक्स्ट में आएंगे तो वो बाईपास था अब अपन शहर में घुसेंगे तो मैसेज टेक्स्ट के सब पार्ट्स तो देखा मैसेज टेक्स्ट यानी कंटेंट लिखना है तो कंटेंट में चार टाइप क्या होना चाहिए तो आपको दुविधा हो रही थी ना मैसेज लिखने में ईमेल शुरू करने में शुरू करना तो सबसे पहले क्या ठीक है अब आता हूँ हमारा नेक्स्ट स्लाइड चलो टाइप्स ऑफ ईमेल सब्जेक्ट लाइन था सबको पता है एड्रेस सब्जेक्ट तीसरा पार्ट क्या था मैसेज मैसेज में सबसे पहला पॉइंट है ग्रीटिंग लिखते जाओ पहला पॉइंट होता है ग्रीटिंग अब यहाँ पे जितने लोगों ने बहुत आदर पूर्वक रेस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम ऐसे लिखे हैं प्रोफेशनल ईमेल में देर इज नो वर्ड कॉल्ड रेस्पेक्टेड तो जिन्होंने बहुत प्यार से डियर लिखा था आप लोग हंसे थे वन डियर तुम लोग जो बाहर डियर चलाते वाला नहीं है ये नॉर्मल प्रोफेशन वाला डियर होता है तो इट्स डियर एलन एब्सोल्युटली फाइन तो खुश होने की जरूरत नहीं है अगर कोई लड़की एचआर आप लोग को बोलती है डियर ऋतिक तो सिग्नल नहीं दे रही है ठीक है तो ऋतिक भाई भाड़ में नहीं नौकरी से और नहीं बड़ा ठीक है तो ये डियर का मतलब तो प्रोफेशनली यू विल गोइंग टू एड्रेस विद डियर Is it clear to all? Yes. No respected? No. It's dear. Alan or dear. Now, name or surname kab use karte hain, wo bhi batata hun. Wo bhi problem hai. Agar aapne dear, Alan, Abraham likh rahe ho, to wahan bhi mail reject hoga. Theek? Socha, samajh mein aa raha hai? Email ki gehrai samajh mein aa rahi hai aaj? Yes, sir. Haan. Theek hai, to sabse pehle to greeting. And second paragraph jo hota hai, usko bolte hain, the opening. यानी मैसेज हमें कैसे शुरुआत करनी है ओपनिंग ठीक है तीसरा पार्ट आता है बॉडी यहाँ पे आएगा आपका मेन मुद्दा क्या आएगा द बॉडी इंक्लूड्स द मेन मुद्दा क्लियर फोर्थ हमारा पैराग्राफ पे आएगा द क्लोजिंग ईमेल में इतने पार्ट होने चाहिए अब हम लोग क्लोजिंग के बाद हमारा अटैचमेंट पर आएगा अटैचमेंट नहीं तो क्या आता है समझ में आ गया ये था मेन पार्ट आपका तो कोई भी आपसे स्टैंडर्डली पूछता है यूजुअली तो पूछता नहीं लेकिन मैं अगर मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बच्चा आता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि टेल मी दी फॉर्मेट्स ऑफ ईमेल हाउ मेनी पैराग्राफ यू विल नीड टू फिल क्योंकि अगर मेरे को अगर बोलना है कैंडिडेट को कि मेरे कंपनी में इंटर्न्स कर रहा है तो इफ आई टेल देम कि नीड टू सेंड एन ईमेल दे शुड नो राइट तो ईमेल तो क्योंकि अगर आप मेरे को अप्रोच करोगे तो पहला ईमेल आएगा तो मैं ईमेल देख के पता करूंगा कि बच्चे में पोटेंशियल क्या है क्वालिटीज क्या है ठीक है राइट नेक्स्ट थैंक यू अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ पहले कितने टाइप्स की ईमेल होती है बताओ पहला चीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आंसर मत दो ठीक है और प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल के आंसर
मत देना, इसके अलावा बताओ। अब वो दोनों स्लाइड दी भी थी नहीं, देखा देखना चाहिए। चीटिंग के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही काफी होता है। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईमेल पार्ट्स? जल्दी जोड़ो सर, ईमेल की भी टाइप होती है तो नहीं पता था हमको ईमेल ईमेल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ तो फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल। इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, फॉर्मल इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू। कपड़े कैसे टाइप के होते हैं? चलो फॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं या इनफॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं। अभी स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं आप, कैजुअल वेस्टर्न कल्चर में आ गए तो। ठीक है, सो नेक्स्ट, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ईमेल। सबसे पहले देखो आपको मेल में आता होगा नो रिप्लाई, पहले लिखा रहता है उसमें कोई बैंक का, क्योंकि फर्जी रहेगी ना तो उसको मेल में तुम रिप्लाई नहीं करता। सबसे पहला टाइप का होता है नो रिप्लाई। ठीक है, नो रिप्लाई में क्या होगा कि भाई नो रिप्लाई का पर्पस ये होता है कि वो सिर्फ अपना एक मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं, उसमें बदले में आपका कोई इनपुट चाहिए नहीं चाहिए, उनको जो पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। अरे गेटिंग अ पॉइंट, दैट कम्स योर नो रिप्लाई। ठीक है, दूसरा होता है इंक्वायरी ईमेल। पूरा कंटेंट नहीं है तो अलाइनमेंट मेजर है। इंक्वायरी ईमेल का पर्पस क्या होता है उसको? इंक्वायरी ईमेल का पर्पस ये होता है, अब सेकंड लोग बोलते हैं कि सर हमें कुछ पूछना है, मेरी कंपनी में आपको पता चल रहा कहीं से नोटिफिकेशन आया है या एकदम मैम ने बोला कि भाई ऑनलाइन इंफोटेक में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो आपने क्या किया, मेरी मेल आई डी ढूंढ डांट के निकाली, तो आपने एक मेल भेजा विद रेफरेंस टू शीतल मैम, वी वांट टू नो देयर इज एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उससे क्या कर रहे हो, एप्पल का लैपटॉप लेना है तो आपके एप्पल के कस्टमर केयर को आप क्या करेंगे, मेल भेजेंगे कि भाई अनफॉर्चुनेटली पैंडमिक के घर से हम निकल नहीं पा रहे थे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दी कोटेशंस। अगर आप इन फ्यूचर कोई बिजनेस डालना चाहते हो या घर में बिजनेस होंगे तो हमें क्लाइंट को या दूसरे को बोलना पड़ता है कि कोटेशन भेजो। समझ में आ रहा है? तो फॉर कोटेशन आपने क्या किया कि भाई मुझे लैपटॉप बोला यही है कॉन्फिग्रेशन का, आप अपने बेस्ट कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से कोटेशन भेजो। तो आपने लैपटॉप की क्या किया, इंक्वायरी के लिए प्रोफेशनल मेल भेजा। रिवर्ड आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आपने मेरे को मेल भेजा कि सर इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या, बदले में आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, मेरा रिप्लाई आया ना, एडवाइस और क्वेश्चन इज आंसर्ड, द रिप्लाई इज योर डिजायर्ड आउटकम वहां पर लिखा है। रिप्लाई इज योर, आपने जब इंक्वायरी करी तो मेरा रिप्लाई आपका आउटकम है, आया ना। Are you getting my point? Yes, sir. Next, होता है open-ended email. तो inquiry का तरफ समझ आएगा तो आप जितने भी HRs को mail भेजेंगे that will be comes under the inquiry email. Clear है? Next होता है open-ended email. Open-ended email जो हम लोग normal कर सकते हैं, आपने मैम को भेजा कि मैडम ये document आपको mail कर रहा हूँ please check. ठीक है, आप अपने दोस्तों को बोलते कि देखो mail पे मैं document चला था, तो बोलता नहीं है, but make a practice. शुरू करो informal से शुरू करो, लेकिन mail use करने की आदत डालो रोज शाम को सोने से पहले, जैसे गुड नाइट मैंडेटरी बोलते इधर उधर लोगों को पूरे गांव को। ठीक है, वैसे एक प्रैक्टिस करो कि रोज सोने से पहले एक बार मेल चेक करो, पूरे रीड करो, बोलो तो शायद काम का एक बार मेल मिल जाए। लेकिन ये कब, जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे देन ओनली यू विल बी ईगरली वेटिंग टू द रिप्लाई। अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे तो मेल देखिए तो मतलब नहीं, क्योंकि पूरे मार्केटिंग मेल्स मिल रहे हमारे। लेकिन स्टार्ट सर्चिंग एंड अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप। अच्छी अच्छी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी ढूंढो पहले, मेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेडी करो, आपकी स्किल सेट डिफाइन करो कि मेरे अंदर क्या है, नहीं है तो पहले स्किल सेट रेडी करो देन डिसाइड करो। अरे वेटिंग में पॉइंट, ठीक है, ओपन एंडेड ईमेल। तो ये जो हम लोग जो रेगुलर मेल यूज करते हैं दैट कम्स अंडर योर ओपन एंडेड ईमेल, ये भी हमें वर्ड नहीं पता होता है। ठीक है, पहला टाइप का ईमेल क्या हो गया, नो रिप्लाई ईमेल, सेकंड हो गया इंक्वायरी ईमेल, थर्ड हो गया ओपन एंडेड ईमेल, और फोर्थ हो गया एक्शन ईमेल। अगर आपकी इंक्वायरी पे मैंने आपको रिवर्ड भेजा, मेरा पूरा मार्केटिंग ब्राउजर कंटेंट सेल्स पिच रेडी है, तो मैंने आपको मेल भेज दिया जो आपको सिंपल लर्न इंटर्न शाला ये तो भेजते हो गया एक्शन ईमेल।
समझ में आ गया, उनका प्रोडक्ट रेडी है, उन्होंने आपको क्या कर दिया, पिच कर दिया, तो जो प्रोडक्ट ले लेगा उसका एक्शन ईमेल में काम हो गया। यही काम इंटर्न से बैठ के करवाया जाता है और उसके पैसे मिलते 15-20 हज़ार, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। Amazon, Flipkart ये सब काम कर रही है, तो यू कैन गिव अ ट्राई, ठीक है। अभी खुद Flipkart भर भरा के इमीडिएट जॉइनर्स को वर्क फ्रॉम होम दे रही है 20,000 रुपये सैलरी, 18,000। रात भर मूवी देखने से बेटर है काम करने के लिए जग जाओ। अगर 15,000 भी आएंगे तो एटलीस्ट अपने कॉलेज की फीस, घर में 5,000 भी दिए ना तो माँ बाप बहुत खुश हो जाएंगे, बोलो हाँ। यूटिलाइज समझ में आ रहा है, नहीं तो 15,000 का कुछ आप एक अच्छा टेक्निकल हाई प्रोफाइल कोर्स खुद के पैसों से सीख सकते हो, समझ में आ रहा है। पेरेंट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, बिकम सेल्फ डिपेंडेंट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, हो गया सेकेंड ईयर तक माँ बाप ने पाल लिए, थर्ड ईयर में यू शुड बी केपेबल इनफ टू अर्न मनी, यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इंजीनियर को वाहियात बनाने वाले हम ही लोग, ठीक है। आप ही लोग अपने भाई बहनों को सजेस्ट करते सब करना उससे ना, आगे के सेंटर तुमने कंप्लीट कर लिए, क्यों बोलते, तुमको लगता जॉब नहीं है, तो ये बोलने के कारण आप अपने आप को ही गाली दे रहे हो, आप अपने आप को ही गाली दे रहे हो, बिकॉज मैं लायक नहीं हूं बे। यू शुड प्रूव, यू शुड बी वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर एंड मोटिवेट योर एल्डर ब्रदर्स और यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि हैव एन नंबर ऑफ स्कोप्स इन इंजीनियरिंग बट यू शुड डू इट इन अ राइट वे, क्लियर। नेक्स्ट ग्रीटिंग्स कैसे होती है फटाफट, अभी यहाँ पे कंटेंट अब आपका मेन मुद्दा है, ग्रीटिंग्स ऑलवेज ओपन नाउ, डियर सर, डियर मैम एब्सोल्युटली फाइन, डियर एलन अगर आपको नाम पता है एचआर का तो नाम, और अगर आपको सरनेम यूज करना है तो मेरे साथ मिस्टर जब हम लोग लगाते हैं मिस्टर या मिसेज तो मिस्टर एलन अब्राहम नहीं बोलना पड़ता, मिस्टर अब्राहम बोलना पड़ता है। ये लॉजिक पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आज याद रखो। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज मिस्टर एंड मिसेज, आप रेस्पेक्ट के साथ जब आप नाम सेलिब्रेशन ऐड करते हो तो उनके साथ हमेशा लास्ट नेम ऐड होता है, ठीक है। बिजनेस क्लास अगर आप उधर है, हेलो मिस्टर वर्मा, अगर मूवी में सुनोगे डायलॉग सुना है क्या, बट कभी नोटिफाई नहीं किए, बोलो पिक्चर का डायलॉग है सर, हेलो मिस्टर वर्मा हाउ यू डूइंग, तो मिस्टर वर्मा मिस्टर सतीश वर्मा नहीं बोलता, लास्ट नेम मिस्टर या मिसेस के साथ लास्ट नेम आता है याद रखना प्रोफेशनली। तो व्हेनेवर यू आर एड्रेसिंग विद मिस्टर एंड मिसेस तो यूज सरनेम, नहीं पता है तो डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड वर्ड नॉट एट एक्सेप्टेबल, इज इट क्लियर? यस सर, दिस इज नॉट फॉर यू गाइस। ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट पहली लाइन जहां गाड़ी रखी थी, begin with the line of thanks, try to find out any way to say thanks, samajh aa raha hai, matlab I Alan Abraham first of all we are very thankful for the opportunities you have shared on LinkedIn, samjha kya bola maine, yes sir, thankful for the opportunities you have shared, your organization has displayed in the XYZ article, in the XYZ newspaper, in the XYZ websites, right? वहाँ से तो always try to find out with the thanks. Clear हो रहा है? ठीक है? This will put them in easy and will try to make appear more courteous. तो उसके कारण क्या होगा? Thank you word देख के सामने वाला पढ़ देंगे किस purpose के लिए thank you बोल रहे हैं. Clear? For example, if someone asks the question, अगर आपसे inquiry किसी ने किया था और आप तुरंत उसको reply दे दो, मेरी एक company आपने inquiry किए तो मैं बोल सकता हूँ थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अलाइन इन्फोटेक, मैंने आपको रिपोर्ट दी, समझ में आ रहा है? और बहुत बार आपको ऐसे मेल आते होंगे लेकिन हम लोग रिपोर्ट वैसे पढ़ते नहीं है, तो आज घर जाके जितने भी मेल्स आए होंगे ना एटलीस्ट 10 मेल्स पढ़ो, यू विल गेट टू नो द प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स एंड अप्रोच ऑफ द पीपल हु आर वेटिंग, क्लियर? तो पहला कोशिश करो थैंक यू, इसके अपन लास्ट में समराइज देखने वाले फास्ट। यहाँ पे स्टेट योर पर्पस, ये आपका सेकंड इस पे आ गया, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट और आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू, थैंक यू बोलने के बाद तुरंत मुद्दे पे आओ, माय नेम इज एलन अब्राहम, आई एम द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड करेंटली आई एम पर्सुइंग सिक्स्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ये रामायण महाभारत नहीं चाहिए। आई एम राइटिंग विद रेफरेंस टू द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज
with respect to the post in Hitwata on detail XYZ. According to me, I was the perfect. I am the perfect match for the skill set you are looking for. Okay? As per the skill set your organization is looking for. पहले पर्पस में बता दो कि आप एक इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाह रहे हो या जॉब में अप्लाई कर रहे हो. क्लियर. पहले पैराग्राफ यानी अगर तो ओपनिंग है. पहला पार्ट क्या था? ग्रीटिंग के बाद क्या था? ओपनिंग. ओपनिंग साझेदारी अच्छी गई तो लंबी लीन जाती है ना. तो ओपनिंग पैराग्राफ में आपका पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू व्हाई यू आर अप्लाइंग. क्लियर. डोंट राइट ऑल इंट्रोडक्शन. डोंट टेल अस टू स्किप द रेसिडेंस. पीपल जस्ट वांट टू नो what do you want to state that in the first sentence. Professional लोगों में इतनी फुर्सत नहीं होती है कि तुम्हारे रामायण महाभारत पढ़ेंगे. उनको मुद्दा चल रहा लड़के को स्प्रिंग हाइबरनेट आता क्या, मेरे को रिक्वायर्ड थी जावास्क्रिप्ट आता क्या. हाँ इसने मेंशन पहुंचा लेंगे कि आई एम अ सर्टिफाइड जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट. वो वहीं से देख लेंगे. आर यू गेटिंग? यस यस. पीछे ठीक है. नंबर नेक्स्ट बॉडी पार्ट में आता है. अब बॉडी पार्ट आता है तो ओपनिंग में समझ में आ गया कि अपने को थैंक्स से स्टार्ट करना है, कोशिश करना है टू फाइंड आउट एनी वे टू से थैंक्स. ठीक है. अब हर बार थैंक यू नहीं आएगा. ठीक है. तो वहां पे थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. आई से स्टार्ट नहीं करना. और वो आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन और दिस मेल विद रेफरेंस टू दिस विल बी द सेकंड लाइन. इट विल नॉट बी अ फर्स्ट. ठीक है. नाउ बी ब्रीफ बट व्हाट आई टेल देम एक्जेक्टली व्हाट यू वांट इन शॉर्ट. योर मैसेज रन स्ट्रॉन्गर देन टू वर्ड मोर पैराग्राफ का अपने प्रोफाइल में सेट करो. अब यहां पे आप अपने स्किल सेट डिफाइन करेंगे कि आई हैव एन एक्सट्रीम नॉलेज ऑफ पाइथन. आई हैव डेवलप्ड द फ्यू वेबसाइट्स बेस्ड ऑन पाइथन. आई हैव वर्क ऑन द बैक एंड पार्ट. ठीक है. आई हैव टेकन केयर ऑफ द टीम बिल्डिंग सेशंस इन माय इंटर्नशिप ड्यूरेशन इन माय प्रीवियस वर्क. ठीक है. तो वहां पे आपकी स्किल सेट डिफाइन करनी है. आपका टीम बिल्डिंग आई एम फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल रिक्वायरमेंट. सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करते हैं या इंटरपर्सनल स्किल्स वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. दैट कम्स इन द बॉडी पार्ट एंड इट विल नीड लॉट्स ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई दिस. अगेन मेरे पास टाइम शॉर्टेज है तो अगर कभी रहा तो नेक्स्ट सेशन में मैं वो वाला पार्ट कवर करूंगा कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. ठीक है. रिमेंबर टू से प्लीज एंड थैंक यू शुड मीन इट. मैंने आपको बोला कि आपके वे ऑफ राइटिंग से सामने लोग समझ में आता है कि आप वो एक्चुअली बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो. तो ऑलवेज ट्राई टू यूज प्लीज एंड थैंक यू इन दैट मेल. और उस दिन पहचान जताने के लिए मत लिखना तो प्लीज ले लो ना थैंक यू वेरी मच. मैं ये तो फीलिंग्स बोल रहा हूँ ना ये एक्चुअली वे ऑफ राइटिंग में समझ में आती है. आप लोग के सरप्राइजिंग होगा जब हम लोग मेल रीड करते हैं तो समझ में आता है इसे किस उद्देश्य के साथ हम प्लीज लिख रहे हैं. समझ में आता है. आप लोगों को लगता है लिखने से आपकी फीलिंग पास नहीं हो रही है. लिखने से फीलिंग पास होती है. उस लेवल पे स्टडी किए हुए तो आई एम सर्टिफाइड. मैं भी बोलो आई हैव सर्टिफाइड इन दिस थिंग्स. तो कंटेंट में मेरे को मैं रामदेव होकर पूरे मेल्स मेल से ड्राफ्ट होता है. मैं 1 घंटा लेता हूँ ड्राफ्ट करने को लेकिन वो प्रिसाइसली ड्राफ्ट करता हूँ. राइट. डोंट यू स्माइलीज बहुत आदत है आजकल. आर यू हैप्पी? तुम्हारे लड़की का एक स्माइल आ जाएगा. कहाँ चलना है? आई एम बहुत खुश हो तो लड़की डांस करने वाला ही भेजा जाता है. ठीक है. तो मैसेज भी चलते रहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ तो बोल सिर्फ स्माइलिंग में एक लड़की रिप्लाई कर रही होती है ना. तो एक्स वाई जी. तो डू नॉट यूज इमोशंस. वी वांट डोंट सेंड इंप्लीमेंटेड इमोशनल चार्ज कमेंट्स ऑन ईमेल. ठीक है. शॉर्टकट यूज नहीं करना है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था PFA वाला. ठीक है. PFA आपको पता है. प्लीज बाकी नहीं सुन रहे वो अपडेट्स यूज होते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही वर्ड यूज नहीं करना है. अवॉइड एक्सक्लेमेशन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं पाइए. हमको लगता है कि आई हैव अचीव्ड द फर्स्ट प्राइज. हम लोग क्या करते हैं बोल्ड करके रख देते ताकि ईमेल वाला पढ़े हो फर्स्ट प्राइज जो है. बहुत ही ज्यादा हो गया तो उसको अंडरलाइन भी कर देंगे कि यही स्पॉट है ना. जितना प्रिसाइज है सिंपल फॉर्मेट में रहेगा ओके. पढ़ता सामने वाला पढ़ता जिसको पढ़ना है ना तो पढ़ेगा. ठीक है. इट इज कंसिडर वेरी रूड टू यूज. अब तुम्हें याद है ये वाली लाइन देखो और ये लाइन पढ़ो. फर्क समझ में आ रहा डिफरेंस दिख रहा आप लोग के हिसाब से. हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन जब आप ये सेंटेंस पढ़ते पढ़ते एकदम से ये दिख रहा है तो समझ में आता है कि सामने वाला मेरे को चिल्ला रहा है या एटीट्यूड
में जा रहा है या एरोगेंसी में जा रहा है. तो डू नॉट यूज कैपिटल लेटर्स. पर्पस समझ में आया? लेटर्स लाइक दिस बिकॉज इट मीन्स दैट यू आर क्लियर. नेक्स्ट ठीक है. क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको क्या डालना है? कर्ट्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट नो मैटर. अगर आपका मेल दो लाइन का भी हो तो नो इशू. लेकिन आपको थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन. दिस इज द प्रोफेशनल क्लोजिंग स्टेटमेंट. आप थर्ड पैराग्राफ में जब आएंगे या ग्रुप में आपको बॉडी के बाद आपको क्लोजिंग होना चाहिए. आई विल सेंड यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अगर आपको मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना है प्लीज लेट मी नो. आई विल सेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है. और उसे मैं क्या लाइन करता था? आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिपोर्ट. ये वाली स्लाइड मैं दे दूंगा मैडम के पास. ठीक है. नो प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न टू लेट मी नो. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. अगर एचआर को आपने इंक्वायरी किया है तो ये लाइन आपकी बनती है वहां पर लिखना. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. दिस इज द प्रोफेशनल क्लोजिंग. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. हाउ टू एंड एन ईमेल प्रोफेशनल कोचिंग में जाएंगे तो बेस्ट रिगार्ड्स सिंसियरली एंड थैंक यू. कैजुअल अप्रोच में जाएंगे तो बेस्ट विशेस एंड चीयर्स. चीयर्स बोले तो वो अपना वाला नहीं है. ठीक है. सैटरडे संडे वाला नहीं है वो. वो जब टीम कुछ अच्छे कैजुअल मोड में रहती है पार्टी मोड में रहती है तो चीयर्स टू द टीम फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टास्क. सुनना. कुडोस टू द टीम फॉर द एक्सीलेंट रिवॉर्ड टू द क्लाइंट. ये कॉर्पोरेट कल्चर से जा रहा है. इनसाइड टीम प्रोफेशनल में ऊपर वाले क्लोजिंग है दैट इज फॉर प्रोफेशनल. ठीक है. फॉर मोर फॉर्मल इवेंट्स योर सिंसियरली योर फेथफुली. हमको पता है बचपन से एप्लीकेशन में ये लिख के आया है. क्लियर. नेक्स्ट मेल सिग्नेचर. तो आपके सिग्नेचर में क्या क्या आना चाहिए इनिशियली? अभी आपके इसमें क्या आएगा? आपका नाम. नाम के बाद क्या आएगा? आपका जॉब टाइटल. तो आप क्या आएंगे? स्टूडेंट और फ्रेशर. ठीक है. बिजनेस फोन नंबर नहीं है अपना खुद का डालो. ठीक है. अगर आप लोगों ने खुद की कुछ साइट बनाई होगी अगर आप अपने नाम की पर्सनैलिटी का एक पेज ऐसे बनाओ खुद के नाम का पोर्टल परचेस करो lnabraham.com परचेस करो वर्डप्रेस पे बन जाएगा. और खुद की प्रोफाइल समरी वहाँ डालो. अगर अच्छी फोटो डालो अबाउट योर सेल्फ डालो पर्सनल प्रोफाइल स्टेटमेंट बनाओ चार पाँच लाइन का. ठीक है. जो मैंने आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था दैट इज माई प्रोफाइल स्टेटमेंट. रेज्यूमे में मेरा डाला होगा करियर ऑब्जेक्टिव. अगर रेज्यूमे में डाले होंगे ना फेंक देना निकाल के. करियर ऑब्जेक्टिव नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. ठीक है. डाउन लीव लीव इट. नेक्स्ट. तो ये चाहिए. अब सिग्नेचर कैसे क्रिएट करना है? जैसे इसका फोटो ले लो. और ये सिग्नेचर आज आप रात में बनाएंगे पास वाला ले ले ग्रुप पे डाल देना वहां से आया क्या? और बहुत मेगा पिक्सल ज्यादा होगा. ठीक. ठीक है. ये प्रोसेस फॉलो करेंगे. ये प्रोसेस फॉलो करने से जीमेल में आपका एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर बन जाएगा. ठीक है. वो सिग्नेचर बनाएंगे भेजेंगे क्या मेरे को? अरे मेरे को भेजेंगे क्या बनाने के बाद? मत भेजना. तुमने मना किया ना. नाम बोल. हाँ एक्सेप्ट करो. ठीक है. चेक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंड बटन दबाने से पहले आपकी रावलपिंडी एक्सप्रेस कहीं छूटने नहीं वाली है. मेल हमने शुरू में पढ़ा इट वेट्स फॉर यू. समझे क्या? तो मेल फटाफट लिखने के बाद जैसे कि आप लोगों की इतनी इच्छा हो रही है कि कब साला ये बाहर जाता और हम भगे. ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पे पढ़ते जैसे टाइप कर लिया तो तुरंत सेंड बटन मत दबाना. परसों का किस्सा बता दो. पराग सर को मेल लिख रहे थे हम लोग को AICD हेड को लिखना था क्योंकि स्मार्ट हैकाथॉन है अभी रामजॉब में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है तो आई एम द कमिटी मेंबर. तो वहाँ पे हम लोग अभी AICD का एग्जाम चल रहा है तो उसमें ये हो गया था कि हम 23 तारीख ये 21 तारीख को मेल लिख रहे थे. 21 तारीख को मेल लिख रहे थे और हमने उसको ये मेंशन करना था कि हम 23 तारीख तक हमने एग्जाम को रन किया. समझे क्या? yes. तो दो दिन बचे थे तो उस दिन मेल में क्या हो गया कि वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट इन 17 to 23 hours और 21 तारीख को मेल भेज रहे. तो दो दिन बचे थे तो मेल प्रिंसिपल को वेरीफाई के भेजा. पराग सर को जो आजा पड़ी और मैं भी हाड़ा के पास में था तो मैंने भी देखा नहीं. तो 23rd नहीं है
वी विल गोइंग टू कंडक्ट टिल 23rd आना चाहिए था वहां पे, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है और सामने वाले को मुद्दा पकड़ने में बहुत टाइम भी लगता है अलग, क्योंकि दैट वॉज मेन कि हम लोग 23 तक ही कर सकते, क्योंकि 24 25 26 से हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था तो हमारा स्टाफ इंगेज रहेगा, तो इसलिए हमको मेल करना था। अरे बेटी मैं सिनेरियो बता रही हूँ, दो दिन पहले का किस्सा साथ में हुआ, तो सर आधे रास्ते चले गए थे, वापस आके उन्होंने फिर वो मेल हमने रिसेंड किया, फिर हमने चार बार पढ़े कि फिर और कोई लाइन तो गड़बड़ नहीं है, क्या लिखा है वेरी मच। आपको लगता है एक बार हाँ बहुत अच्छे से परफेक्ट लिख लिया, और हम लोग खुद मत प्रूफ रीड करवाना, बाजू वाले को निकाल पढ़ने देना, क्योंकि बाजू वाले की क्वालिटी होती है कि दूसरों की मिस्टेक निकालना, समझे क्या? ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, तो प्रूफ रीड हमेशा दूसरों से करवाना, अबे ये सेंटेंस गलत है इसको चेंज कर, वो फिर पूरा फिल्टर करना, अपने को उसके बेइज्जती से मतलब नहीं है, अपने को अपना मेल अच्छा होने से मतलब है, समझ में आ रहा है? वो चार दो अबे क्या ये लाइन लिखना नहीं आता, सुन लेना 2 मिनट के लिए, समझे क्या? इतनी तो गालियां सुनते रहते अपने माँ बाप की कान बंद करके, कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है? नेक्स्ट, 24 घंटे के अंदर अगर कोई एचआर ने आपको मेल किया तो 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई जाना इज मस्ट, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं जा रहा तो यू शुड हैव एक्सप्लेन द डिजायर्ड जेन्युइन रीजन विद प्रूफ, नहीं तो 24 घंटे के अंदर आपका मेल जाना बहुत जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये है आप लोगों का मेल काम का, अब एक ओवरव्यू आपको समझ में आएगा, अपने को मेल जब स्टार्ट करना है तो ग्रीटिंग रहेगी, थैंक यू से स्टार्ट करना है, थैंक यू से स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मेन बॉडी बतानी है, कंटेंट बताना है, प्रोफेशनल क्लोजिंग करनी है, ठीक है? इससे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट मॉडल, हाँ ये आप लोग के काम का, ठीक है? डियर हायरिंग मैनेजर, यहाँ पे डियर हायरिंग मैनेजर आ जाएगा, पहले देख लो फिर खींच लेना, मेरी भी लिख देना, ठीक है? I saw your job posting for a graphic designer in the ABC side. उसने clear बोल दिया कि मैंने क्या देखा आपका job posting for in the XYZ side. Reference is important again. ठीक है? I believe I can be an ideal match for the position advertised. तो पहले पहले अगर आपने उसने clear कर दिया कि मैं क्या है, मैंने बोला state the purpose. याद आ रहा क्या? Yes sir. State the purpose. Next. I have an extensive experience in the planning and designing of all graphic related projects. In my position as graphic designer for the XYZ company, I was a part of several projects for website designing, the company internet portal, product browser designing, print and media advertisement, as well as the newsletter for a customer subscriber. Ye ho gaya main body. Ab maine kya bola? Usne apni puri skill set define kar diya wahan pe. Yes. Samajh mein aa raha? Attached is my resume. अटैचमेंट अगर रहेगा तो आपको वो थर्ड पैराग्राफ में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि आई हैव अटैच्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो यू नीड टू मेंशन अटैच इज द डॉक्यूमेंट, ताकि जो रीडर रहेगा कि उसको पता है कि यू हैव सेंड एन अटैचमेंट, इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा मैंने बोला था अगर कुछ होगा अटैचमेंट तो यूआरएल, अगर आपने कुछ वेबसाइट्स बनाए हैं क्या लिखा, दीज आर द सम सैंपल वेबसाइट दैट आई हैव डिजाइन, उसकी यूआरएल और हमेशा किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे के आते हो, क्या बोला? इंटरव्यू देख के आते हो, सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज सेंड अ थैंक यू ईमेल। अब तो इट वाज अ वेरी नाइस टू स्पीक विद यू टुडे अबाउट द सेल्स पोजीशन एट द जॉब, सीम्स टू बी एन एक्सीलेंट मैच फॉर माय स्किल्स एंड इंटरेस्ट, द सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायरमेंट यू डिस्क्राइब नीडेड फॉर दिस पोजीशन कंफर्म्ड माय डिजायर्ड। अब देखो थैंक यू नहीं बोला, लेकिन उससे शुरुआत करना कि इट वाज अ वेरी नाइस टू स्पीक विद यू, जरूरी आ जाएगा थैंक यू आएगा, समझ में आ रहा है? फर्स्ट लाइन ही समझ में आ रही है। अब यहाँ से दिमाग लगाना चालू करना आपसे कि पहली लाइन, अब हर एक कंडीशन सेम थोड़ी रहेगी ना, यू हैव टू वेरी द सिचुएशन, इसलिए मैं 50 अलग अलग सिचुएशन जनरेट कर देता हूँ, कंडीशन समझा? आई विल शेयर दिस टू शीतल मैम और ऋषि, ठीक है? फाइन, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट ईमेल एटिकेट्स, तो आई होप
आज ईमेल की गहराई समझ में आई होगी, है ना? कभी लगा था कि ईमेल में भी इतना बड़ा हो सकता कुछ? आई होप इट वॉज वर्थ फॉर यू टू अटेंड द सेशन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन. पता है आपको भर जा रहा है स्टिल. अच्छा, ईमानदारी से काम का लगा? यस सर. बोर हुआ? यस सर. ठीक है, एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस फॉर मी सर? वीडियो है क्या कैपेसिटी देखने के लिए? यस सर. ओके, टू थ्री थिंग्स गाइस. अभी ये नहीं है, मेरा केवाईसी का एक सेशन लेता हूँ मैं. अगर तुम लोग फिर से ज्यादा देंगे तो आना चाहता हूँ मैं. हम लोग सुनेंगे क्या? मैं सुनूंगा. मजा आया है कि सामने खड़ा हो इसलिए बोल रहे हैं. पक्का बोल की तो एक नींद हो गई यार. कोई झपकी मार चुकी है, ये भी झपकी मार चुका है इधर पे. कहाँ गया? हाँ, ये हो गई. खुली आँख से सोने वाला सीन चला हो गया. देखो, कुछ चीजें जो जिसमें मैं ह्यूमर नहीं पैदा कर सकता, वो काम की चीजें बोली होती है. ठीक है, सो आई कैन अंडरस्टैंड पीक टाइम में दो घर का. हाँ, ऑडियो होगा क्या? ऑडियो के बगैर एक काम करना. आओ, इतने देर आप लोगों ने जो अपने दिमाग को जलाया और मेरे को झेला, इट वॉज वर्थ एनीथिंग फॉर मी. फील फ्री टू कनेक्ट, मेरे नंबर वहाँ पे है. दिस इज 9399345989. दिस इज माई नंबर. कुछ भी लगता है, गेट इन टच विथ मी एनी मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, I am always available after 10 to 3 p.m. 10 p.m. to 3 a.m. almost. ठीक है, दिन भर पूरे. अभी भी हम मेरे WhatsApp पे देखेंगे तो 1037 चैट्स पेंडिंग है. ठीक है, तो ऐसा कुछ रहा तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं रात में रिवर्ट करता हूँ. ठीक है, लेकिन अपना नाम डालना. बहुत बार क्या करते हैं, हेलो सर, आई नीड योर हेल्प. कहाँ हो, थोड़ा अपना अस्तित्व बताएंगे. पता नहीं है क्या मैसेज आए से हैं ये. तो एनी क्वेश्चन, लास्ट कॉल. नो सर, तो भूख लग गई है. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. हेलो टू ऑल एंड ऑल प्रेजेंट हियर टुडे ऑन बिहाफ ऑफ एसबीजेएन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड
Research, Nagpur, an autonomous institute affiliated to RTM Nagpur University. I, Mr. Kanisha Mahile, take this opportunity to propose vote of thanks to all of them present here. Today have raised and praised the glory of this seminar on corporate teaming, adequate and business communication organized by Technomaster Club of Electronics and Telecommunication Department of Engineering. Associated with IIC, I express my gratitude to expert Ms. Alan Abraham, sir, for his gracious presence here today. We are really enlightened with your words of knowledge and wisdom. Thank you, sir, for giving your valuable time. With these warm words and a kind message, we move toward the end of